Hey guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to my channel. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जल्दी से जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो. गाइस यार, आप लोग लाइक करते नहीं हो यार, प्लीज यार, एक 17,000 लाइक का टारगेट देता हूँ, एक छोटा सा टारगेट देता हूँ भाई. अगर सब लोग एक एक करके लाइक भी कर देंगे ना, तो आराम से लाइक गोल कम्प्लीट हो जाया करेगा यार. गाइस एक रिक्वेस्ट है यार आप लोगों को, प्लीज गाइस वीडियो लास्ट तक देखा करो यार. कई लोग भाई लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, इससे मतलब गाइस यार लाइक गोल भी कम्प्लीट नहीं हो रहा और भाई मेरा मतलब मेरे को मोटिवेशन भी नहीं आ रहा यार वीडियोस बनाने का. भाई एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ इतना मान लो कि वीडियोस लास्ट तक देखा करो, तभी आप लोग को मजा आएगा. क्योंकि भाई मेरे को 4 दिन लग जाते हैं वीडियो बनाने में, आप सिर्फ 1 घंटा नहीं निकाल सकते यार मेरे लिए. प्लीज यार वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो. और गाइस जो जो भी अपने माइकल को प्यार करता है ना, फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो. तो अगर गाइस आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी तो आप लोगों को पता ही होगा, लास्ट टाइम हमारा जो ट्रक था ना भाई, वो चोरी हो गया था, जिसके अंदर $100 million थे जो वो माफिया ने हमें दिए थे. वो ट्रक को हम छुड़वा के ले आए थे. वो काफी लोग बोल रहे थे भाई वो तुम्हारा ट्रक दोबारा चोरी हो गया, मैं आप लोगों को घर जाके दिखाता हूं वो ट्रक कहां पड़ा है. भाई मुझे, मैंने वो ट्रक को ना कहीं ऐसी जगह पे छुपा दिया, मैं आप लोगों को घर पे जाके दिखाऊंगा. और देन उसके बाद ना हम पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों के मिलके आ गए, क्योंकि भाई हमने नया शोरूम लिया एंड अपना नया घर बनाया था. उसी खुशी में हम अपने घर पे एक पार्टी रखने वाले हैं, जिसपे हम अपने सारे दुश्मन सारे दोस्त सबको बुलाने वाले हैं. बाकी हाँ गाइस ठीक है यार, अभी रात बहुत ज्यादा हो चुकी है. बाकी जितने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे ना, मैंने उनको घर जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि भाई उनकी जो ड्यूटी है वो 8 बजे तक रहती है. मैंने उनको बोल दिया भाई तुम लोग अपना बढ़िया घर चले जाओ. लास्ट टाइम एक इंडियन फैमिली आई थी अपने शोरूम में इंडियन कार्स के लिए, भाई उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं पता भाई, वो इंडियन कार्स कहाँ से मिलेंगी. कुछ 5-6 इंडियन कार्स का ऑर्डर आया, बाकी देखना पड़ेगा. मैं एक काम करूंगा, मैं सिमियन को मिलूंगा. भाई सिमियन जो है ना, वो सारी ऐसी तगड़ी कार्स का इंतजाम कर देता है. सुबह जाके सिमियन को मिलते हैं. अभी फटाफट से भाई शोरूम बंद करने का टाइम आ चुका है, आ जा भाई ट्रेवर जल्दी से बाहर. ओके गाइस, मेरी जो है ना भाई ट्रेवर से बात हो चुकी है. ट्रेवर मेरे को बोल रहा है कि माइकल यार, मैंने फ्रैंकलिन को यहाँ पे बुलाया है भाई, ये पंगा डलवाएगा. फ्रैंकलिन को हम लास्ट टाइम जेल से लेके आए हैं, उसको हर जगह पुलिस ढूंढ रही है, पर ये कह रहा है कि मैंने फ्रैंकलिन को यहाँ पे बुला लिया है, वो फ्रैंकलिन आके मुझे ले जाएगा. चलो ठीक है भाई, इसको मैंने बाकी बोल दिया भाई सुबह ना जल्दी पहुंचियो शोरूम में, अपन अपने को बहुत सारे काम करने हैं, इंडियन कार्स का जुगाड़ करना है. कहाँ जाएंगे इंडियन कार? मुझे तो लग रहा है ना भाई लिबर्टी सिटी में इंडियन कार्स मिलेंगी एंड लॉस सेंटोस में इंडियन कार्स तो होती ही नहीं है. भाई देखो गाइस, लास्ट टाइम जो इंडियन फैमिली अपने इधर आई थी ना, उन्होंने साफ साफ बोला था कि हमने लॉस सेंटोस के सारे शोरूम घूम लिए, बट हमें कहीं भी इंडियन कार्स नहीं मिली. इसका मतलब गाइस उन्होंने लॉस सेंटोस पूरा घूम लिया होगा. बाकी चलो ठीक है भाई, अभी क्या ही कर सकते हैं. अभी एक काम करेंगे, सुबह जाके सिमियन को मिलते हैं, अभी जाके रात को अभी सोते हैं यार, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है. और बाकी गाइस मैं आप लोग को भाई $100 million वाला ट्रक भी दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई कई लोगों ने इतने कमेंट करे. ये मत समझो कि गाइस मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ. मैं देखता रहता हूँ कौन कौन क्या क्या बोलता है और क्या क्या करता है. क्योंकि देखो गाइस, अगर आप लोग मेरे को सिखा मतलब आप लोग अगर मेरे को कुछ बोलते तभी तो मेरे को सीखने को मिलेगा. अगर बेस्ट पार्ट होता है वो भी कमेंट में बताया करो, अगर कुछ गलत पार्ट भी लगता है ना आप लोग को वो भी बताया करो, तभी भाई मुझे सीखने को मिलेगा. और फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत लोग ऐसे भाई जो सब्सक्राइब ही नहीं करते. प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो एंड मोहित गेमिंग वर्ल्ड फैमिली का हिस्सा बन जाओ. चलो यार भाई बहुत सारी बातें हो गई, और फटाफट से अपनी गाड़ी को ना भाई सब फुल स्पीड में भगाते हैं और सीधा निकलते हैं माइकल के घर की तरफ. ओके गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता पहुंचने वाला हूं अपने घर पे. अभी गाइस सुबह जाके ना सिमियन से मिलेंगे और उसको पूछेंगे भाई इंडियन कार्स का कुछ जुगाड़ करके दे, एंड उसके बाद वो बंदे को इंडियन कार्स हम दे देंगे ना. एंड हाँ गाइस और भी बता देता हूँ, वो इंडियन अंकल अभी सुबह आने वाले दोबारा से, मतलब उनको मैंने बोल दिया था भाई थोड़ा एडवांस का इंतजाम करवा दो. भाई क्या पता यार वो बंदा मुझे ऑर्डर दे दे और मैं भाई इधर पूरी मतलब ट्राई करके बैठ जाऊँ कि हाँ भाई इंडियन कार्स लेनी लेनी है, एंड अगर लिबर्टी सिटी जाना पड़ा बहुत खर्चा हो जाएगा. उसके बाद भाई वो बंदा सीधा मना कर दे. अगर मैंने बोल दिया, मैंने कहा 50% आप मुझे एडवांस करवा दो पेमेंट, मैं आपके लिए कार्स लेने चला जाऊंगा. क्योंकि देखो गाइस, अगर आप अपने पास या लॉस सेंटोस में कहीं पर भी कार्स होती ना, तो मैं पैसे एडवांस ना मांगता और जुगाड़ कर देता कार्स का. बट अगर दूसरे सिटी जाना पड़ रहा है तो भाई एडवांस नहीं पड़ेगा. बाकी आप लोगों को ना मैं ट्रक दिखाता हूं पहले. अभी देखना भाई, सारे लोग बोल रहे थे ट्रक कहां है, अभी दिखाता हूं वो ट्रक. भाई मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, $100 million कैश पड़ा इसके अंदर. ये देख रहे हो, ये खड़ा अपना ट्रक. मैंने भाई बहुत इंतजाम कर करके ना इस ट्रक को यहाँ से उतार के यहाँ पे खड़ा कर दिया. जिमी की मां में भी हिम्मत नहीं है वो यहाँ से गाड़ी निकाल सके. चलो ठीक है भाई, ज्यादा ही होगा वैसे तो. और बाकी अपनी बुगाटी खड़ी गैराज के अंदर, और लैम्बोर्गिनी सियान का भी कुछ करवाना है भाई. काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं,
लिम्बोगनी सियान बिचारी अपनी फटी पड़ी, ब्लास्ट हुई पड़ी है, उसको भी रिपेयर करवाना है। बाकी चलो ठीक है भाई, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फैमिली अपनी इधर बैठी है, फटाफट से एक जूस का गिलास पीते जिससे हमें मिलती है शक्ति, एंड उसके बाद ना अभी सोने के लिए चलते हैं। अभी तो गाइस मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि हम इंडियन कार्स लेने जाएंगे। बाकी मुझे भी पता नहीं, और भाई हमारे घर पे भी इंडियन वाइब आ रही है। ये देखो भाई मैंने ताजमहल की फोटो लगा रखी है अपने घर पे, तो अगर इंडियन कार्स में से मुझे भी कोई पसंद आती है तो मैं भी अपने लिए रखूंगा भाई, जरूर देखेंगे। वो तो भी मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। चलो ठीक है, अभी इधर उधर की बातें नहीं करते, फटाफट से पहले तो कपड़े चेंज करते हैं, एंड उसके बाद ना भाई साहब एक सेकंड, बेड वाले कपड़े ये रहे भाई। चलो ठीक है, अभी इधर की बात नहीं करते, फटाफट से जाके सोते हैं। गुड नाइट गाइस। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। और अभी ना गाइस एक काम किया है मैंने, अलार्म जो है ना वो बहुत मतलब सुबह का ही सेट कर लिया था, जल्दी सुबह का, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 5:30 हो चुके हैं गाइस। अभी क्या करना है ना, हमें अभी जल्दी ही निकलना है, क्योंकि देखो गाइस अभी हमें जाना है सीधा मतलब एयरपोर्ट पे। अभी जो भी है ना गाइस एयरपोर्ट पे जाके उसके बाद हमें जो है ना प्लेन की टिकट्स बुक करनी है। प्लेन की टिकट बुक करने के बाद ना मुझे दोबारा से जाना है सिमियन को उठाने के लिए, या फिर मैं देखूंगा भाई सिमियन को वहीं पर बुला लेंगे। एक काम करते हैं, आज ना भाई ये वाले कपड़े पहनते हैं, एंड गाइस ये वाले कपड़े भी हमने पहन लिए एंड ये वाले ग्लासेस भी पहन लिए। बाकी चलो ठीक है, अभी तो हमें जाना है लिबर्टी सिटी, इसीलिए मैं जल्दी उठ गया हूँ, सब कुछ जल्दी। अभी घर वाले भी फैमिली अपनी सो रही है, फटाफट से चलते हैं। और अभी पहले जाके हमें देखना है कि भाई हमारे लिए टिकट्स वगैरह का इंतजाम हो भी पाएगा कि नहीं। चलो गाइस ठीक है, अभी पहले तो पहले तो ये वाली गाड़ी लेके जा सकते हैं, बाद में ये गाड़ी नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि भाई देखो अगर बाद में ये वाली गाड़ी लेके जाएंगे ना तो वहाँ पे गाड़ी चोरी भी हो सकती है, एयरपोर्ट पे कुछ भी हो सकता है, गाड़ी भी एक नंबर मस्त है ना यार, इसीलिए तो भैया हमें रिस्क लेना ही नहीं है, रिस्क फ्री होकर चलना है। चलो गाइस ठीक है, अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूं और फटाफट से पहले तो चलते हैं अपना एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट वालों से बात मतलब एयरपोर्ट वालों से बात करते हैं भाई हमें वो कार्गो प्लेन वगैरह दे दें या फिर क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कार्गो प्लेन मुझे मिलेगा भी या नहीं, क्या सीन होने वाला है वो जाके एयरपोर्ट पे ही पता चलेगा। अगर मैं चाहूँ तो फ्रैंकलिन या फिर ट्रेवर को अपने साथ लेके जा सकता हूँ, बट छोड़ो यार उनको क्या ही लेके जाना, अपने साथ सिमियन जा तो रहा है भाई। बाकी मैंने रात भर ना सिमियन से बात कर ली थी, मैंने कहा सिमियन ऐसे ऐसे करके सीन है, वो कह रहा है कोई टेंशन मत ले यार इंडियन कार्स का मैं जुगाड़ करवा दूंगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है, उसको भाई पता रहता है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इंडियन फैमिली जो है ना उसके पास गई ही नहीं है भाई वो। हाँ मतलब मैं मानता हूँ कि उसका टॉप का शोरूम नहीं है, क्योंकि इंडियन फैमिली तो यही सोचा होगा ना भाई जितने बड़े शोरूम में जाएंगे उतनी जल्दी कार्स का इंतजाम होगा। बाकी उन्होंने देखा हमने वेबसाइट पर कार्स लिस्ट कर रखी है ना, इसीलिए भाई वो अपने से मिलने के लिए आ रहे थे, और बंदा बोला कि भाई मुझे लग भी रहा था कि आप इंतजाम कर दोगे। मैंने सिमियन को भाई कस्टमर का नाम नहीं बताया, बस मैंने बोला भाई मुझे चाहिए इंडियन कार, वो रेडी हो गया, वो कह रहा है चल ठीक है मैं तुझे लेके जाऊंगा। चलो ठीक है गाइस, फटाफट से निकलते पहले एयरपोर्ट पे और देखते भाई कोई क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, पहले कार्गो प्लेन का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, तभी तो मैं जाके सिमियन को दोबारा से लेके आ सकता हूं। चलो अभी बहुत बातें हो चुकी हैं, फटाफट से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। ऑलराइट गाइस, मैं तो भाई अपनी गाड़ी को ना फुल स्पीड में भगा के पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट पे। अभी फटाफट से ना गाइज ओके ओके, सामने है भाई टिकट्स लेनी है हमें, और टिकट लेनी है, टिकट नहीं भाई, नहीं टिकट नहीं, पहले तो कार्गो प्लेन ही लेने की बात करनी है भाई। मुझे नहीं लग रहा कि क्या, पता नहीं भाई क्या सीन होने वाला है, गाड़ी लगाते पहले तो साइड पे। अभी यहाँ पे तो भाई मुझे वैसे कोई हलचल दिख नहीं रही, तो भाई बहुत ज़्यादा लोग भरे रहते हैं, खड़े रहते हैं, बट हाँ भाई सुबह के अभी टाइम भी तो 6 बजे हैं, तो कहाँ से लोग आएंगे। बाकी अनाउंसमेंट वगैरह तो हो रही है, चलो ठीक है अभी अंदर चलते हैं एंड बात करके आते हैं भाई। चलो ठीक है, हैं अबे ये सारा ही खाली पड़ा, यहाँ पे तो इतनी भीड़ लगी रहती है, यहाँ पे तो सारे ही खाली पड़ा है, इतनी भीड़ लगी रहती है। आपको पता ही है भाई हम पहले भी एक दो बार आए हैं जब टिकट वगैरह लेने, तब तो भाई ये भरा रहता था, अब ये इतना खाली क्यों है। हाँ चलो हो सकता है भाई सुबह का टाइम एंड दुकानें वगैरह भी खुली नहीं है। एक सेकंड अबे ये तो टॉयलेट है भाई, बट यार एयरपोर्ट भाई कभी यार सुबह भी बंद नहीं होता यार, लोगों की फ्लाइट्स तो चलती रहती है, टाइमिंग वगैरह तो भाई ऊपर लिखी हुई है, बाकी कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा। एंड भाई ये भी बंद पड़ा है, मतलब ये एरिया जो होता है ना भाई यहाँ पे तो भाई इतनी भीड़ लगी रहती है, इतने लोग रहते हैं, बट सब कुछ ही बंद पड़ा है। एंड अभी टिकट कहाँ से ले भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार गाइस, मुझे तो यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा। एंड ये स्टाफ एरिया और यहाँ पे भी भाई कोई है नहीं, मुझे लग रहा है या तो फिर आज छुट्टी वुट्टी है, या फिर भाई एयरपोर्ट के जितने भी बंदे हैं ना सारे कहीं स्ट्राइक वगैरह पे तो नहीं बैठ गए भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कितनी भीड़ लगी रहती है। एंड अभी भाई कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। अभी क्या ही कर सकते हैं भाई, टिकट तो मिलेगी नहीं,
तो अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बिठाना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में ना कुछ खुराफाती आइडिया आ रहा है, यहाँ पे तो भाई ऐसा कुछ लिख भी नहीं रखा। एक काम करते हैं, ऊपर जाके देखते हैं भाई, शायद ऊपर हो सकते हैं लोग रहे। एंड टिकट वगैरह हमें, टिकट तो नहीं भाई, हमें बात करनी है, कार्गो प्लेन ही रेंट करना है। यहाँ पे तो भाई सारा खाली पड़ा है। ये देखो भाई मैं ऊपर भी आ गया जहाँ पे टिकट कॉर्नर है, यहाँ पे टिकट वगैरह लोग लेने आते हैं, बट भाई सब कुछ बंद पड़ा। और टाइम देख लो आप भाई, 6 भी पूरे नहीं बजे, मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। जो भी टिकट्स वगैरह रहती है ना भाई, वो यहीं से मिलती है। ये देखो गाइस, ये सब पता नहीं भाई क्यों ही बंद बंद करके रखा हुआ है। चलो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, फटाफट से उतरो नीचे की तरफ। और यहाँ पे भाई लोग आते हैं अपना कपड़ों की शॉपिंग वगैरह करते हैं। एंड अभी तो मेरे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों यहाँ पे इतनी, मतलब भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं है और सारा खाली पड़ा। चलो छोड़ो भाई, अभी इधर उधर की बातें, अभी कोई आइडिया नहीं है। अभी मेरे दिमाग में जो खुराफाती आइडिया आ रहा है ना, वही करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी, ओ एक सेकंड बच गया भाई, जो यहाँ पे भी लोग रहते हैं ना वो भी, कोई भी खड़ा नहीं है, उनके बैग वगैरह पड़े। पता नहीं भाई क्या सीन है, मुझे भाई भैया समझ में नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। अभी भाई हमें जो है, अभी हमें दो काम करने हैं। एक तो भाई सिमियन को उठाना है, मतलब उठाना तो नहीं है भाई, मतलब थोड़ी देर बाद ही चलते हैं। अभी एक काम करते हैं, थोड़ी देर गेड़ी वेड़ी मारते हैं, उसके बाद चलते हैं सिमियन को उठाते हैं। एंड उस पहले सिमियन को, अबे अबे नहीं 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 मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, पहले सिमियन के पास नहीं जाना, पहले हम अपना शोरूम ओपन करेंगे एंड वो इंडियन अंकल को बुलाएंगे, ताकि भैया वो पैसा लेके आए, हमारे पास पैसा लेके वो आ जाएगा। एंड उसके बाद भाई हम जो है अपना गाड़ियाँ लेने के लिए चले जाएंगे भाई। चलो ठीक है, अभी इधर की बात नहीं करते, फटाफट से चलते हैं अपने शोरूम की तरफ। एंड सुबह और क्या भाई, सुबह शोरूम भी खुला नहीं होगा, तो शोरूम भी हमें खुद को ही खोलना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, ठीक है सीधा निकलते हैं शोरूम की तरफ। ओके गाइज, मैं जो है ना भाई अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते भगाते पहुंच चुका हूं अपने शोरूम में। अभी भाई 7:30 ही हुए हैं, तो शोरूम के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तो नहीं आए, बट सुबह सुबह भाई बंदे यहाँ पे मतलब नजरअंदाजी करने यहाँ पे आ चुके हैं भाई। सुबह सुबह ये लोग पता नहीं भाई इतने वेले क्यों हैं, अपने शोरूम को ही देखते रहते हैं। चलो ठीक है भैया, शोरूम की खोलते हैं, ये पार्किंग वगैरह ओपन करते हैं, शोरूम को ओपन करते हैं, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पे लगाते हैं और इंडियन अंकल को ना भाई साहब फोन करते हैं और देखते हैं भाई वो कहाँ पे या कब आते हैं भाई। चलो गाइस ठीक है, अभी वो इंडियन अंकल को करते हैं फोन फटाफट से। ओके गाइस, यार मैं तो भाई काफी टाइम से यहाँ पे बैठ के टीवी एंजॉय कर रहा हूँ, एंड अभी तक ना भाई वो अंकल जी आए ही नहीं है यार। पक्की, चलो ठीक है देखते हैं। ओ वेट, अबे यार बाहर सिक्योरिटी भी आ गई, मतलब टाइम कितना हो गया, प्यास की टांग, सुबह से 7 बजे से आके शोरूम में बैठा हूँ और 9 बजने वाले हो गए और ये अंकल अभी तक नहीं आया, भाई कब आएगा। एंड बाकी चलो गाइस ठीक है यार, अभी वेट करना पड़ेगा अंकल जी का। यार ये अंकल जी ने काफी ज्यादा ही टाइम वेस्ट नहीं कर दिया यार अपना, भाई इतने में तो यार मैं सिमियन के पास जाता। एंड ओके अंकल जी आ चुके हैं भाई, हेलमेट देख रहे हो भाई अंकल जी का, आ जाओ अंकल जी आ जाओ मेरे पीछे पीछे, अपन अंदर बैठ के सारी बात करते हैं। चलो गाइस ठीक है यार, अंकल जी से ना भाई अंदर बैठ के बात करते हैं यार, कितने पैसे लेके आए अंकल जी एंड कौन कौन सी कार्स लेके आनी है, सारी बात करते हैं इनसे। ओके गाइस, अंकल जी ने भाई पैसे तो काफी ज्यादा लेके आए एंड हेलमेट तो उतार देते हैं अंकल जी। चलो गाइस ठीक है यार, पैसे वैसे अपने को मिल चुके हैं, बाकी अभी हमारा काम है सीधा सिमियन के पास जाना, शोरूम का अपने शोरूम का भी कुछ करेंगे यार, लिबर्टी सिटी जाएंगे ना तो अपने शोरूम के लिए भी मस्त मस्त गाड़ियां लेके आएंगे। अभी सीधा काम करते हैं, ये पैसे लेके सीधा चलते हैं सिमियन के पास, एंड सिमियन को हमें बताना नहीं है कि भाई हमें मतलब ऑर्डर मिल रहे हैं, नहीं तो भाई सीधा बोलेगा कि माइकल तू मेरा कॉम्पिटिटर हो चुका है भाई शोरूम के मामले में। चलो गाइस ठीक है यार, अभी सीधा जाना हमें इंडियन कार्स लेने के लिए, सीधा लिबर्टी सिटी जाना या कहाँ भाई, मैं बार बार लिबर्टी सिटी बोलता तो जा रहा हूँ बट मुझे अभी तक सिमियन ने बताया नहीं हमें जाना कहाँ है, तो फटाफट से फुल स्पीड पे भगा के सीधा निकलता हूँ मैं सिमियन के शोरूम के लिए। ओके गाइस, मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता भगाता पहुंचने वाला हूँ सिमियन के शोरूम में। और रात को सिमियन ने मुझे कॉल करके ये तो बोल दिया था कि भाई एक कार्गो प्लेन का इंतजाम करके रखना, अभी तक कार्गो प्लेन का इंतजाम हुआ नहीं है। बाकी भाई इस बंदे का शोरूम देख रहे हो, क्या ही मस्त चलता है भाई, सही में बता रहा हूँ, अपना शोरूम है जहाँ पे भाई सिर्फ 4 ही गाड़ियाँ पड़ी है शुरू से लेके अब तक। हाँ भाई उसका भी कुछ करेंगे। और ये बंदा है, क्योंकि भाई हालांकि ये बहुत पुराना बैठा ना, इसीलिए भाई इसका शोरूम मस्त चलता है, अंदर पार्टी वार्टी चल रही है, जो लोग गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं, मतलब ये ना एक चीज़ मस्त करता है, जो भी यहाँ पे गाड़ी खरीदने आता है ना ये उनको पार्टी मस्त देता है। चलो ठीक है भाई, अभी उधर की बातें तो करते नहीं है, फटाफट जाकर सिमियन से मिलते हैं। और भाई साहब गाड़ियाँ, इसके पास गाड़ी रखने की जगह नहीं है, इतना इसके पास काम है भाई, अंदर भी गाड़ियाँ पड़ी हैं और यहाँ पे भी गाड़ियाँ पड़ी हैं। चलो ठीक है भाई, अंदर जाके ना अभी सिमियन से बात करते हैं और फिर क्या सीन करना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, अंदर भी कितनी सारी गाड़ियाँ पड़ी। चलो ठीक है, किधर मिलेगा यार सिमियन? गाइस ठीक है, ये है सिमियन का ऑफिस। ओके ये रहा सिमियन, चलो गाइस इससे अभी बैठ के आराम से बात बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, सिमियन बोल रहा है भाई इंतजाम हो चुका है ना कार्गो प्लेन का। भाई कार्गो प्लेन का इंतजाम तो छोड़ यार, तू आ जा बस भाई, तेरे को पहले यहाँ से लेके चलता हूँ। और गाइस मैंने सिमियन को बोला, मैंने कहा भाई तू यार ये वाली गाड़ी यहाँ पे रख ले, और ये कह रहा है कि मेरे वर्कर्स वगैरह गाड़ी को नुकसान ना पहुँचा दे, इससे बढ़िया तू एक काम कर
गाड़ी ले जा एंड किसी को फोन करके बुला लेना कि ताकि वो गाड़ी ले जाए। हाँ गाइज, ये इसने मस्त आइडिया दिया। हम अभी क्या काम करने वाले हैं, पहले हम एयरपोर्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कार्गो प्लेन का इंतजाम हो सकता है कि नहीं। अभी हमें कार्गो प्लेन को लेने के लिए ना कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी, कुछ खतरनाक दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे तो भाई बात नहीं बनने वाली कुछ कार्गो प्लेन को, कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। देखो अभी पहले एयरपोर्ट पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या आइडिया मिलता है, वो बाद में जाके देखते हैं। पहले हमें गाड़ी कैसा करना पड़ेगा, पहले हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, कार्गो प्लेन हमें दिख जाए, देन उसके बाद मैं ड्राइवर को कॉल करूंगा, ड्राइवर आएगा, फिर देन उसके बाद ये जो है गाड़ी लेके चला जाएगा। चलो ठीक है भाई, अभी आप लोग को सारा प्लान मैंने समझा दिया हमें क्या क्या करना है। उसके बाद सिमियन ने बता दिया भाई लिबर्टी सिटी जाना है, मतलब मुझे पता था भाई, क्योंकि पता मैं आपको बताऊं लिबर्टी सिटी में इतना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस जो है ना भाई जितनी भी मस्त मस्त कार्स होती है ना, जो खतरनाक कार ले लो या फिर सिंपल कार ले लो या इंडियन कार्स ले लो, ये सब आप लोग को लिबर्टी सिटी में मिल जाएगी। और सिमियन कह रहा है कि इसका एक फ्रेंड है ठीक है लिबर्टी सिटी में, जो कि इंडियन कार मतलब मोस्टली रखता नहीं है, मतलब कुछ अगर ऑर्डर आ जाए तो वो रख लेता है। तो सिमियन बोल रहा है कि इसने उसको बोल दिया था, अपने फ्रेंड को बोल दिया था कि तुम गाड़ी वाड़ी का इंतजाम करके रखना, हम गाड़ियां लेने आ रहे हैं। भाई ये तो मस्त हो गया। बाकी गाइस जो पैसों का सूटकेस है ना वो अपने गाड़ी के अंदर ही पड़ा है, वो हमें उठाना ही उठाना है। एक सेकंड भाई, मैं गलत ही आ रहा था, यहाँ पे मेरी गलती, मैं मानता हूँ यहाँ पे मेरी गलती है, मैं गलत चल रहा हूँ। चलो ठीक है भाई 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 भाई, चलो गाइस अभी इधर उधर की बातें नहीं करते, फटाफट से निकलते एयरपोर्ट के लिए। ओके गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता पहुंचने वाला हूँ एयरपोर्ट पे, मतलब पहुंच ही चुका हूँ। चलो ठीक है भाई, अभी फटाफट से करते हैं गाड़ी को अंदर। अबे सर जी इसका खोलो यार, इसका मुझे अंदर जाना है। अबे भैया खोल दे हैं, भाई ये मुझे गाली वाली दे रहा है कि यार, ये कह रहा है तू क्या करने आया यहाँ पे, पैस की टांग तेरी, निकल यहाँ से, फिर ऐसे ही निकलना तो ऐसे ही निकल, पैस की तेरी, भाई गाली वाली दे रहा था मुझे। चलो ठीक है गाइस, मैं अपनी गाड़ी को लेके अंदर की तरफ तो आ चुका हूँ, अभी मुझे यहाँ पे देखना, एक तो सामने कार्गो प्लेन खड़ा है, बट वो भाई मुझे लग रहा है ना वो वाला कार्गो प्लेन नहीं है, रुको रुको, जिसपे हम गाड़ियां लेके आ सकते हैं पहले मुझे देखना पड़ेगा ध्यान से, देन उसके बाद उसको लेके जाएं या फिर क्या, रुको रुको रुको, पहले मुझे ध्यान से देखने दो कि ये गाड़ियों वाला कार्गो प्लेन है, कार्गो प्लेन नहीं है, ये जेट है भाई। कार्गो प्लेन तो बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर सामान आता है और उसका तो अलग ही भाई पहचान है, ये तो जेट है, तो मतलब ये भी नहीं, और सामने भी जेट खड़ा है वो साफ पता चल रहा है। अभी कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी यार, कार्गो प्लेन भाई, ओ वेट वेट वेट, कार्गो प्लेन सामने खड़ा है। हाँ गाइस यही कार्गो प्लेन है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ ढंग से भाई, देखो देखो देखो, अबे ये तो भाई डेविन वेस्टन का हैंगर है और यहाँ पे ये कार्गो प्लेन क्या कर रहा है। कार्गो प्लेन का इंतजाम हो चुका है भाई, कार्गो प्लेन का इंतजाम तो हो चुका है सिमियन, बट अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, तो कार्गो प्लेन का इंतजाम तो भाई साहब हो चुका है, बट हम यहाँ से मोड़ेंगे कैसे वो बाद में देखते हैं यार। पहले मैं ना जल्दी जल्दी गाइस ड्राइवर को कॉल करता हूँ एंड उसको बोलता हूँ भाई ये गाड़ी लेके जा, फटाफट से कॉल करता हूँ मैं ड्राइवर को। ओके गाइस, ड्राइवर को कॉल तो हमने कर दिया है, अभी यहाँ पे जुगाड़ बनाना पड़ेगा। जुगाड़ ऐसे है कि यहाँ का मुझे पीछे का रास्ता पता है, पीछे के रास्ते से हम जाके वहाँ से हम आराम से लेके आ सकते हैं, वो तो चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो तो चलो हम कर लेंगे यार। पहले एक बार बस ड्राइवर को आने दो, ड्राइवर को हम ये गाड़ी दे दें, देन उसके बाद भाई फिर अपना काम सही से हो जाएगा। ओ अब पागल गई क्या, किस जन्म की दुश्मनी लेता है भाई मेरे से तू, भाई आके बीच में ठोक दिया। चलो गाइस ठीक है यार, ड्राइवर तो यहाँ पे पहुंच चुका है, ड्राइवर एक काम कर ये गाड़ी लेके जा भाई, आते ही बंदे ने ऐसा ठोका ना भाई मुझे, मैं क्या ही बोलूं, चश्मा भी तोड़ दिया भाई बंदे ने। चलो ठीक है गाइस, ड्राइवर को बाकी मैंने बोल दिया, बे गाड़ी के अंदर बैठ यार, क्या भाई इसको मुझे लग रहा है नींद भी आ रखी और मैंने जल्दी बुला लिया इसको, इसीलिए भाई इसने नशे वशे कर रखे है। चलो ठीक है भाई, गाड़ी देके मैंने इसको भेज दिया है, बाकी चलो सारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व है, गाड़ी चली गई है, बाकी ये पता नहीं किसका चुरा के लेके आया था भाई। चलो ठीक है भाई, अपनी गाड़ी सेफ है, गाड़ी ले जाएगा अभी ड्राइवर अपने घर पे, या घर पे छोड़ देगा या फिर भाई अपने घर पे रख लेगा, चलो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी इशू ये है कि हमें यहाँ से चुरानी है अभी यहाँ से हमें चुराना है खतरनाक कार्गो प्लेन। बाकी गाइज मैंने सिमियन को बोल दिया, भाई सिमियन यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथ साथ चल कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं, पहले मैंने गन अंदर रखता हूँ, आ जा भाई सिमियन, एक काम करते हैं हैंगर के ना भाई पीछे के रास्ते से चलते हैं, यहाँ पे काफी सारी सिक्योरिटी वाले बंदे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनको भी मजा चका देंगे एंड ये कार्गो प्लेन को यहाँ से लेके जाएंगे। ओके गाइस मैं आ चुका हूँ इस हैंगर के पीछे वाले रास्ते पे, बाकी चलो ठीक है ये जो रास्ता है ना गाइस ये जाता है सीधा इस हैंगर के पीछे वाले रास्ते पे, बाकी भाई सिमियन जो है ना वो आता ही रहेगा धीरे धीरे। मैंने सिमियन को बोला भाई तू धीरे धीरे आ जा, क्योंकि यहाँ पे गन फाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तू अपना धीरे धीरे से आ जा।
एक काम करते हैं भाई, जब तक सिमियन आता है ना, एक सोडा भी पी लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। चल भाई सोडा आ जा फटाफट से। एंड अभी अपना सफ़र भी जो बहुत लंबा होने वाला है ना, अभी लिबर्टी सिटी पहुँचना है, फिर गाड़ियों का इंतजाम करना है, बहुत सारा काम है। चलो ठीक है भाई, बाकी ना गाइस जब तक सिमियन आता है तब तक अपन चलते अंदर। ओके भाई मैं आ चुका हूँ अंदर की तरफ, अब मुझे गन तो फायर करनी पड़ेगी। गन मैंने हैवी पिस्टल निकाल ली है, ठीक है। चलो यहाँ पे काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं भाई, उनका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मुझे करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, बट एकदम से मैं शूटिंग तो नहीं करूँगा, पहले मुझे यहाँ से पूरा ध्यान से देखना। ओके कार्गो प्लेन खुला है पूरा, अपन यहाँ पे पूरी फुल तरीके से शूटिंग वूटिंग करके ना। ओके सिमियन भी आ चुका है, अभी यहाँ पे ना अच्छी खासी शूटिंग वूटिंग करके ना हम अंदर बैठ के आराम से जा सकते हैं। चलो गाइस ठीक है, एक चल तेरी पैस की टांग, फेट चल निकल। ओके 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 ओके, ध्यान से भाई ध्यान से, ना ना ध्यान से, ऐसे नहीं भाई ऐसे नहीं भाई, शूटिंग का तुम्हें पता नहीं है, उस सामने वाले बंदे को पता ही नहीं भाई क्या हुआ। चल भाई तू भी निकल तू, क्योंकि इनके बीच में खड़ा था। ओके चल भाई तू टेंशन मत ले, तेरे को मैं कुछ नहीं बोलता। बाकी चलो ठीक है, यहाँ पे जितने बंदे थे हमने वो सब खत्म कर दिया। बाकी सिमियन जल्दी जल्दी आ यार, पैस की टांग पीछे पुलिस लग चुकी है भाई, हमें जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना यहाँ से। एक सेकंड तेरी पैस की टांग अंदर भाई, अंदर रिपेयरिंग चल रही है तेरी, वे हो निकल 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 निकल। एक सेकंड ये रिपेयरिंग कर रहे हैं पैस की, चल चल निकल गाइस। ओके गाइस मैंने बड़े वाली गन निकाली है भाई, जल्दी जल्दी आ यार सिमियन फटाफट से, और हमें ना भाई कार्गो प्लेन के अंदर की तरफ जाना है। ऑल राइट गाइस मैं आ चुका हूँ कार्गो प्लेन के कॉकपिट में। ओके गाइस मैं बैठ चुका हूँ कार्गो प्लेन में और सिमियन हम दोनों बैठ चुके हैं। अभी मुझे पता नहीं भाई मुझे यहाँ से कार्गो प्लेन में निकालूंगा कैसे भाई, नीचे कितनी चीजें पड़ी है, और मुझे ना भाई इस कार्गो प्लेन को थोड़ा सा पेशेंस के साथ निकालना पड़ेगा। पीछे पुलिस लग चुकी है बहुत ज्यादा गंदी, एंड नीचे देखो भाई बहुत सारी चीजें पड़ी है, इसके अंदर अगर कार्गो प्लेन टकरा गया ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई। रुको रुको मुझे इसको ना ध्यान से, ओ तो भाई रुको 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 रुको, मैंने बाकी ना भाई जितने भी डोर थे ना उसके लॉक वॉक कर दिया। पैस की टांग निकल, अब तो निकालना पड़ेगा। एंड 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 रुको रुको रुको, निकाल लिया भाई मैंने। अबे ओ वेट 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 रुको रुको, ओ भाई साहब एक सेकंड, इन्होंने भाई यहाँ पे धुआं वुआ निकाल दिया भाई। रुको कोई दिक्कत नहीं है, एक इंजन मुझे लग रहा है ना भाई कार्गो प्लेन का गया, बट भाई कोई बात नहीं, इसके अंदर मतलब इंजन तो नहीं भाई, पता क्या क्या बोलते हैं भाई इसको, इंजन ही बोलते हैं ना शायद, हाँ बाकी आठ इंजन लग रखे हैं भाई इसके अंदर, एक इंजन खत्म हो चुका है, कोई ना एक इंजन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यार हमें। बाकी चलो ठीक है, हम लेके कार्गो प्लेन आ चुके हैं भाई, अभी आराम से ना इस कार्गो प्लेन को भाई संभालना मुश्किल हो रहा है यार इसको। चलो गाइस ठीक है यार, हम लेके आ चुके हैं कार्गो प्लेन को वहां से बड़े ध्यान से बड़े आराम से चुरा के, और ये देखो भाई पीछे रहेगा लॉस सेंटोस, अब ये पुलिस भी बेचारी कुछ कर नहीं सकती। और अभी हम सीधा जाने वाले हैं गाइस लिबर्टी सिटी के लिए, लिबर्टी सिटी में हम बस इंडियन कार्स लेने के लिए जाने वाले हैं। इंडियन कार इसके अंदर रख के, एक सेकंड इसकी पहले इसके टायर बंद कर लेते हैं भाई। चलो गाइस ठीक है, टायर वायर सब बंद कर लिए, अब इंडियन कार्स को हम रखेंगे कार्गो प्लेन के अंदर और बड़े प्यार से दोबारा से लॉस सेंटोस वापिस आएंगे। चलो भाई ये तो कुछ ज्यादा ही मस्त वाला काम हो गया। चलो कार्गो प्लेन का सुबह से मैं सोच रहा हूँ यार कार्गो प्लेन का इंतजाम कहाँ से होगा, लो भाई कार्गो प्लेन का इंतजाम भी होगा। चलो गाइस सीधा निकलते हैं अब लिबर्टी सिटी के लिए। तो फटाफट से गाइज उनके नाम लेते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम सबसे बढ़िया कमेंट करे थे। थर्ड नंबर पे सिकंदर भाई, जिन्होंने थर्ड नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। सेकंड नंबर पे नीरोप खान, जिन्होंने भाई सब सेकंड नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। फर्स्ट नंबर पे रवीश गेमिंग वर्ल्ड, जिन्होंने भाई सब फर्स्ट नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। तो गाइज आप लोग भी ऐसे कमेंट करते जाओ, नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला आप लोग को प्यारा सा शाउट आउट। और फटाफट से जाओ गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे आप लोग पता नहीं भाई मुझे फॉलो ही नहीं करते, मेरे फेक अकाउंट को इतने फॉलोअर बढ़वा रखे हैं आप लोगों ने, और एक जो रियल वाला है भाई उसको आप फॉलो ही नहीं करते हो। प्लीज यार गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं सबसे बातें करता रहता हूँ, आ जाओ भाई डीएम में सब बातें भी करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस हम जो है ना भाई फाइनली लिबर्टी सिटी में पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे तो भाई पूरा का पूरा मौसम खराब हो रखा है, कुछ नहीं पता भाई कभी बारिश शुरू हो जाए, बट चलो कोई ना भाई। कि मैंने भाई इसके व्हील जो है ना वो ओपन कर लिया, अभी ना मुझे सेफ लैंडिंग करवानी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है भाई यहाँ पे ना एक इतना बड़ा कार्गो प्लेन उतारना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है देखते हैं बाकी। ओके बिल्कुल अभी तो भाई सीधा ढंग से बड़े प्यार से इसको ना निकालना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, और मैंने स्पीड धीरे करनी शुरू कर दी है। बाकी भाई एक सेकंड उतार लो भाई इसको। वेट लगेगा, पता था मुझे भाई बच गया, लगा भी बहुत जोर से, बट ये है कि भाई बच गया अभी। चलो ठीक है एक काम करते हैं, इसको ना भाई बड़े प्यार से ना सीधा कर लेते हैं पहले, और मौसम भाई पूरा खराब हो चुका है और सारा दिन खराब हो गया अपना भाई। गाइज हम ना भाई 11 बजे चले थे वहां पे,
और आप लोग देख ही पा रहे हो भाई, पूरा का पूरा मौसम खराब हो रखा है और शाम हो चुकी है पूरी। बाकी यार 5-6 घंटे अपने को तो भाई यहाँ पे आने आने के ही लग गए। चलो ठीक है, अब सीधा नीचे उतरते हैं। एंड सिमियन तो भाई साहब पहले ही उतर के नीचे पहुंच गया भाई। जब मैं मतलब यहाँ पे अभी मैं उतर ही रहा था, क्योंकि भाई देखो मेरे को भाई यहाँ पे बेल्ट वगैरह सीट बेल्ट वगैरह लगाई होती है ना, मैं पहले भाई उसको निकाल के उतर गया। बाकी सिमियन जो है ना वो पहले ही उतर गया था नीचे। चलो बाकी देखते हैं यार, अभी तो भाई पूरी शाम हो चुकी है एंड अभी कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा यार, रेस्ट वगैरह के लिए देखना पड़ेगा कुछ और। भाई क्या ही मौसम हो रखा है। और बाकी चलो ठीक है भाई, सिमियन तो आ चुका है। बाकी आजा भाई सिमियन, कोई ना कोई गाड़ी का इंतजाम करते हैं। सामने एक गाड़ी तो खड़ी है, देखते हैं भाई। मुझे पता है लिबर्टी सिटी में ना कहीं भाई खतरनाक गाड़ियां वैसी पड़ी मिल जाती हैं यार। जैसे ये गाड़ी खड़ी है थोड़ी कबाड़ है। अबे आ जा यार सिमियन भाई, इतना धीरे धीरे काम करेगा तो यार कैसे चलेगा भाई हमको। आज आज में सारी इंडियन कार्स लेके जानी है भाई लॉस सैंटोस में। हाँ ये SUV नहीं चाहिए भाई मुझे। चल भाई सिमियन फटाफट से आ जा, एक आधी गाड़ी का इंतजाम करते हैं, फिर उसके बाद भाई जो भी तेरा फ्रेंड है ना उसके पास चलते हैं। और एक सेकेंड, एक ये गाड़ी पड़ी है भाई, क्या ही मस्त गाड़ी है भाई सिमियन पार्ट भाई, क्या मस्त गाड़ी मिली है। ओ भाई ये गाड़ी कौन सी ये तो नहीं पता मुझे, बट ये गाड़ी बहुत मस्त है भाई। अभी तो ना गाइस क्या है ना कि मतलब धूप वूप नहीं है ना, तो इतनी चमक रही नहीं गाड़ी। नहीं तो गाइस अगर आप लोग मतलब धूप वूप होती ना, गाड़ी बहुत ज्यादा सही तरीके से चमकती। चलो ठीक है गाइस, अभी कार्गो प्लेन अपना यहीं पे खड़ा रहेगा, जो भी कार्स होंगी ना उनको लाके हम इधर रख देंगे। उसके बाद कार्गो प्लेन को लेके फिर अपना लॉस सैंटोस वापस चले जाएंगे। भाई लॉस सैंटोस में अपने पीछे पुलिस पड़ गई थी बिना मतलब के। हमने कार्गो प्लेन उड़ाया और पहुंच गए भाई लिबर्टी सिटी। एक सेकंड, किसी की आवाज आई थी। अबे नहीं यार, पता नहीं भाई कोई किसी को बुला रहा होगा, मैं ऐसी गलत ले रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी गाड़ी को ना यहाँ से निकालते हैं फटाफट से बाहर की तरफ। और ये पीछे ना पता नहीं भाई एग्जॉस्ट लगे हुए ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे पीछे भाई मतलब नाइट्रो लगाओ, ऐसी वैसे नाइट्रो वाली गाड़ी है। तो भाई अभी आजकल कहाँ ही मिलती है, पहले होता था भाई नाइट्रो वाली गाड़ियां मिलती थी। एक सेकंड, मेरे ऊपर तेरी वेट, इसने मेरे ऊपर गोली चलाने की कोशिश करी थी ना भाई। भाई भाई मुझे लग रहा है ना भाई लॉस सैंटोस में जो हम मतलब ये कार्गो प्लेन ऐसे लेके आए हैं ना भाई, वो उन्होंने लॉस सैंटोस वालों ने लिबर्टी सिटी वालों को कॉल कर दिया होगा, उसको पता लग गया होगा कि हम लिबर्टी सिटी पहुंचने वाले हैं, इसीलिए अपने पीछे पुलिस लग चुकी है। बट भी पुलिस से बचना पड़ेगा भाई। रुको रुको रुको, गाड़ी ठूकी बहुत गंदी भाई, ब्रेक नहीं है गाड़ी की। अगर मैं एयरपोर्ट ही घूमता रहा ना भाई तो घंटा यहाँ से निकल पाऊंगा। एक काम करता हूँ हाईवे की तरफ निकलता हूँ। ये पुलिस वाले तो भाई गंदा ही अपने पीछे लग चुके हैं यार। एंड पता नहीं भाई इस गाड़ी में ब्रेक सिस्टम बहुत बकवास है यार इसका, पता नहीं या तो फिर किसी ने रिपेयर नहीं करवाई होगी ढंग से या फिर क्या पता नहीं मुझे। एक सेकंड, ये देखो भाई रिपेयर सिस्टम कितना ज्यादा गंदा है इसका। बाकी भाई रुको रुको, गाड़ी को ना पहले तो मैं पीछे से निकालूं एंड पुलिस वालों से कुछ ना कुछ करके निकलना। ओ वेट, नहीं यार भाई पीछे कर ले अपनी गाड़ी यार, प्लीज पीछे कर ले प्लीज यार, यहाँ पे तो मतलब गंद मत डलवाओ यार। मुझे बस गाड़ियां लेने के लिए आया हूँ यार, मैं कौन से यहाँ पे कुछ गलत काम करने आया हूँ यार, बस गाड़ी लेके अपना निकल जाऊंगा यहाँ से। हुए भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है गाड़ी को संभालना, कसम से बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है गाड़ी को संभालना। मैं बड़ी मुश्किल से संभाल रहा हूँ इस गाड़ी को, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, संभालेंगे हम। और इन पुलिस वालों से पहले पीछा छूट जाए ना, उसके बाद अपना कोई आराम से काम कर सकते हैं। और सिमियन बोल रहा है भाई तू कितने गलत काम करेगा। अब सिमियन तू भी तो गलत काम ही करता है भाई, लोगों को बिना मतलब के लोन पे गाड़ी चला के उसके बाद उनको कुटवाने के लिए भेजता है भाई, ये भी बहुत गलत काम करता है। बट कोई बात नहीं, एक काम करते हैं मैं यहाँ पे, ये कौन सी जगह है भाई ये तो मुझे भी पता नहीं है। बाकी चलो एक सेकंड, कहीं ना कहीं तो छुपना पड़ेगा। ये एक जगह भी तो है बढ़िया। गाइस यार अभी ना बस एक काम करना है मुझे, पुलिस से पीछे छुड़वा लूँ ना, उसके बाद ना भाई मैं बिल्कुल सेफ हो जाऊंगा। फिर उसके बाद भाई हम आराम से यहाँ पे सब कुछ घूमेंगे। एंड घूमना तो भाई क्या ही, अभी तो मौसम पूरा खराब हो रखा है, रात भी होने वाली है, बहुत जल्दी रात होने वाली है भाई, 6-7 घंटे लग गए हमको। ओए नहीं यार प्लीज, तुम्हारी ऐसी की तैसी गन है ना मेरे पास, मन तो कर रहा है भाई एक दो लगा ही दूं, बट यार उसमें अपना ही नुकसान है, ये तो कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। एक तो ना भाई ये गाड़ी जितनी मस्त दिखती है ना उतनी मस्त है नहीं भाई, ये देखो क्या हो रहा है यार, ये गाड़ी बहुत खराब है भाई। चलो कोई ना, गाड़ी वैसे मजबूत है, जानदार है गाड़ी भाई, कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी को। वैसे थोड़े मोटे स्क्रैच आए हैं बट गाड़ी को हमने कितना ठोका कुछ हुआ नहीं है, गाड़ी है एक नंबर है। बट ये है कि भाई बैनी जैसे बंदे के पास से ये गाड़ी एक बार मॉडिफाई होने वाली है, ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह इसका, इंजन अपग्रेड हो गया ना, उसके बाद ये गाड़ी बहुत मस्त चलेगी। तेरी ऐसी की तैसी साइड कर, पैंस की टांग भाई ऐसे। तो भाई ये गाड़ी क्या बोलूं भाई, ये पुलिस वाले सच्ची में बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं भाई, बहुत इरिटेट सा करते हैं भाई। थोड़ा ना खुली सी जगह पे चलता हूँ, इनको मैं बताता हूँ, गन निकाल के ना इनको ठोकना पड़ेगा भाई, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। ये तो भाई ऐसे पीछे नहीं करेंगे, ऐसे तो भाई ये पीछा नहीं छोड़ने वाले अपना। एक सेकंड, हर जगह पे पुलिस खड़ी है, ये देखो भाई ये भी बंदा पुलिस वाला खड़ा है। एंड इसने ना भाई ये देखो ट्रैप बिछा रखा है, ये देखो इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है ना, इसने ट्रैप बिछा रखा है कि हम यहाँ से निकलेंगे और अपने टायर पंक्चर हो जाएंगे भाई। इतना भी पागल नहीं हूँ यार मैं। बट गाइज अभी कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कितनी देर पुलिस से बचता रहूंगा यार, इतना बोरिंग हो रहा है भाई सीन। रुको एक काम करता हूँ, मैं कहीं छुप जाऊँ,
मस्त तरीके से कहीं छुपते हैं ना भाई। ये जगह जा रही है एंड इसके अंदर एक गली जा तो रही है, बट अगर मैं यहाँ पे फंसा ना तो भाई। एक सेकंड, क्या ठुकी है गाड़ी भाई, क्या आवाज आई थी। ये तो मैंने भाई गलत ही जगह पे गाड़ी डाल ली। रुको, ये तो गलत जगह पे गाड़ी डाल ली। अबे यार कैसे निकालूं भाई, क्या फंसी है गाड़ी अपनी। रुको, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एंड मैं भाई गाड़ी को निकाल के छोड़ूंगा। अबे फंस गई भाई, अभी ना पीछे जाने लायक, अभी ना आगे जाने लायक। बहुत मुश्किल से गाड़ी मैंने निकाल दी है। चलो ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे पुलिस वाले बहुत इकट्ठे हो चुके हैं भाई, इनको पता नहीं कहाँ से लोकेशन मिल रही है। यार क्या सीन हो रहा है यार अपने साथ, इतनी पुलिस क्यों आ रही है अपने पीछे पीछे। मैंने इतना बड़ा क्या जुर्म कर दिया भाई, एक कार को नहीं तो चुराया यार। मैं वापस रख दूंगा भाई, मैं पक्का कह रहा हूँ, मैं वापस रख दूंगा इसको, मैं परमानेंट अपने पास नहीं रखने वाला। क्या करूं यार, ऐसे तो बात ही नहीं बनने वाली यार, ऐसे तो ये अपना पीछे करते रहेंगे। कहीं ना कहीं तो छुपना पड़ेगा यार। रुको, कुछ ना कुछ तरकीब बनानी पड़ेगी। फाइनली गाइस, पुलिस जो है ना भाई अपना पीछा छोड़ चुकी है। और रात देख रहे हो गाइस कितनी ज्यादा हो चुकी है, अभी भाई कोई भरोसा नहीं कब बारिश हो जाए। आप देखो भाई कितना ज्यादा बादल आ रखे हैं, कोई पता नहीं कब बारिश होने लग जाए। इससे बढ़िया एक काम करते हैं, सिमियन बोल रहा है भाई कोई होटल वगैरह तुझे पता है। भाई सिमियन मुझे होटल तो पता है, बट उसका एक दिन का किराया भाई $10,000 है, क्या बोलता है भाई, कर ले। गाइस देखो यार, अभी अगर इतना पैसा खर्चेंगे तो भाई वो इंडियन अंकल से ही लेंगे ना यार। देखो अभी मैं उस इंडियन अंकल से पैसे तो नहीं कमा रहा हूँ, बट हम उसी के काम के लिए आए भाई, जो खर्चा करेंगे वो इंडियन अंकल को करना पड़ेगा भाई पे, है ना। तो $10,000 हम पे कर सकते हैं भाई। $10,000 में गाइस एक आराम से स्विफ्ट आ जाती है भाई, बट एक स्विफ्ट का खर्चा तो भाई वो अंकल को चुकाना तो पड़ेगा ही भाई। चलो ठीक है, लास्ट टाइम एक अपार्टमेंट में गए थे, 5-star होटल में गए थे, वहाँ पे अच्छा खासा भाई खर्चा था, मतलब चलो ठीक है भाई, अभी वो इंडियन अंकल को पे करना पड़ेगा। जब इंडियन अंकल मतलब पे भी कर रहा है ना भाई, तो करेगा ही ना भाई। चलो ठीक है, तो फटाफट से मैं अपनी गाड़ी भगा के सीधा निकलता हूँ 5-star होटल के लिए, देन उसके बाद वहीं पे रहते हैं फिर आज रात के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ओके गाइस, जैसा मैंने बोला था ना वैसा ही हो गया भाई। बारिश हो रही है बहुत ज्यादा भयंकर, देख रहे भाई बारिश बहुत ज्यादा भयंकर हो रही है। और भाई मतलब यहाँ पे लॉस लिबर्टी सिटी में एक चीज नोटिस करी भाई इनकी, मतलब देखो भाई सड़कें देखो क्या ही चमक रही है, मतलब लिबर्टी सिटी में ना मजेदार चीज है। और ये आ चुके हम अपने 5-star होटल पे फटाफट से भाई, इनकी जो खतरनाक गंदी चीज है ना वही आप लोग को पता है, लास्ट टाइम भाई गैराज इनका इधर है और चल के हमको उधर जाना पड़ता है। चलो गाइस ठीक है यार, भाई हम जो है ना गैराज पे गाड़ी लगा के आ चुके हैं। अभी भाई बारिश बहुत ज्यादा हो रही है भाई, सिमियन भाग गया भाई, ये सिमियन बहुत धीरे चलता है भाई, बुड्ढा हो चुका है। पहले बहुत जवान होता था ना, पहले सही काम करता था, अब तो कसम से बहुत ज्यादा बुड्ढा हो चुका है भाई ये बंदा। एक सेकंड, अबे एंट्री कहाँ थी, अबे एंट्री डोर, ओके एंट्री डोर आ गया, ये रहा भाई एंट्री डोर। फटाफट से चलते अंदर और लिफ्ट में बैठ के पहुंचते अपनी बिल्डिंग पे। ऑल राइट गाइज, हम जो है ना भाई लिफ्ट में चढ़ के बिल्डिंग पे आ चुके हैं। चलो गाइज ठीक है यार, सब बढ़िया है भाई अब तो। भाई बाहर देख रहे हो कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, मतलब यहाँ से ना भाई, मतलब गाइस यहाँ से ना पूरा तगड़ा व्यू दिख रहा है भाई, देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है। चलो ठीक है भाई, अंदर मैं आप लोग को छोटा सा एक व्यू दे देता हूँ, जिन जो लोगों ने लास्ट टाइम नहीं देखा होगा ना उसको भी बता देता हूँ भाई। ये जो जगह है ना, यहाँ पे पता नहीं भाई क्या, मतलब गिटार विटार पड़े, पता नहीं क्या ही सीन है। एंड अपना जो है ना भाई यहाँ पे मतलब जो भी मस्ती का एरिया, खाना पीना खा सकते हैं हम यहाँ से, खाना पीना जो भी खाना हो हम यहाँ से कर सकते हैं, बाकी जो टीवी वगैरह देखना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, एंड सब कुछ भाई यहाँ पे है। बट अभी हमें भाई सिर्फ सोने के लिए हमने ये बुक किया है भाई, जो भी है। चल भाई सिमियन आ जा यार फटाफट से, और तू बता भाई कहाँ सोएगा। गाइस बेड तो ना बस एक ही है यार, ये प्रॉब्लम है भाई। अभी चलो बात करता हूँ मैं सिमियन से भाई, कैसे कैसे क्या क्या करना है, फटाफट जाके सिमियन से पहले तो बात करते हैं। और 5-star वाले होटल वाली ना भाई बात ही अलग है यार, आप लोग देख लो भाई क्या ही मस्त चीज बन रखी है। देखो भाई सिमियन भी बाहर का नजारा देख रहा है यहाँ से, चलो जाके भाई सिमियन से बात करते हैं। ओके गाइज, ये बंदा तो भाई यहाँ पे बैठ गया, लेट गया, सो गया, एंड अभी इसका ये कह रहा है कि टीवी वीवी देखेगा और थोड़ी देर बाद ये भी सोने के लिए चला जाएगा। चल ठीक है भाई, तू टीवी वीवी देख ले अपना, और ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे सो जाऊंगा, मुझे कोई इतना ज्यादा सोने का प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चलो ठीक है, इसको टीवी देखने देते हैं, बाकी हम चलते हैं भाई नीचे की तरफ। और नीचे का भी आप लोग को व्यू दिखा देता हूँ। नीचे गाइज आप लोग देख रहे हो भाई पूरा मस्त तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, एंड यहाँ पे बाथरूम वगैरह है भाई, जो कि बहुत ज्यादा मस्त दिखता है। एंड भाई 5-star होटल की तो बात ही अलग है। चलो ठीक है भाई, अभी इतनी किस क्या ही तारीफ करें। और बाकी यहाँ पे कपड़े वगैरह भी देते हैं ये लोग। गाइज ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रूम वगैरह ही देते हैं, ये कपड़े वगैरह भी देते हैं कि आपको अगर कोई कपड़े आपके लिए कम्फर्टेबल हो तो आप मतलब चेंज कर सकते हो। बाकी बाहर का नजारा देखो भाई, कितनी बारिश हो रही है, और भाई थंडर देख रहे हो क्या चमक रही है। और सामने है
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो के जिसके ऊपर भाई ये जो मतलब स्टॉर्म क्या ही मस्त दिख रही है पूरा यहाँ पे, क्या ही खतरनाक सीन हो रखा है। चलो गाइस ठीक है, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से ना भाई कपड़े वगैरह उतार के सोने के लिए चलते हैं भाई, फिर कल हमें इंडियन कार्स भी लेने जाना है। ओके गाइस, बेल्ट वाले कपड़े हमने पहन लिए हैं, फटाफट से जाके भाई सोते हैं एंड व्यू देख रहे हो भाई, जो कि व्यू बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। चलो गाइस फिर सोते हैं, गुड नाइट। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और भाई बाहर का नजारा देख रहे हो, पूरी रात बारिश हुई और पानी कितना इकट्ठा हो चुका है भाई, मतलब देख रहे हो ना सड़कों वड़कों पे, धात वो कि थोड़ी देर में हट जाएगा ये पानी वगैरह, सूख जाएगा क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत मस्त है, पानी वगैरह सब अंदर ले लेती है भाई। यहाँ का व्यू देख रहे हो भाई, और धूप वूप मस्त निकल चुकी है, और आज हम मस्त तरीके से भाई नहा धो के ना अभी मस्त तरीके से यहाँ से कोई कपड़े और पहनते हैं एंड उसके बाद भाई चलते हैं और सिमियन को भी उठाते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी वाड़ी लेके सीधा अपन चलेंगे भाई लॉस सैंटोस। ओके गाइस, नहा धो के भाई हमने ये वाले कपड़े पहन लिए जो कि मेरे को बहुत सही लग रहा है, मतलब लिबर्टी सिटी में ना भाई कपड़े भी बहुत मस्त मस्त मिलते हैं, आप देख रहे हो भाई भाई कैसे स्वेटर वगैरह एंड नीचे भाई पैंट वगैरह क्या ही मस्त लग रही है ना भाई। नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं, चलो भाई अभी फटाफट से सिमियन को उठाते हैं एंड निकलते हैं भाई उसके जो भी फ्रेंड है जिसका शोरूम है जो इंडियन कार्स रखता है, जो भी सीन है भाई उसके पास चलते हैं भाई फटाफट से। सिमियन उठ जा यार। ओके गाइस, सिमियन जो कॉफी पी रहा है और मैं पी रहा हूं भाई ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, और गाइस एक प्रॉब्लम हो चुकी है भाई, अभी तक तो आप लोग जान ही चुके होंगे प्रॉब्लम क्या हो चुकी है। प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि उसी गाड़ी में अपना सूटकेस रह चुका है जो कि उस इंडियन अंकल ने दिया था पैस की टांग भाई, पैसे उसी के अंदर रह गए यार भाई, गलती से पैसे लाना भूल गया, अब मैं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूं मैं ड्राइवर को कॉल करता हूं भाई, ड्राइवर कहीं यार पैसों का कुछ सीन वीन ना कर दे, बाकी अभी तो सुधर चुका है वो बंदा। चलो ठीक है मैं उसको कॉल करके देखता हूँ भाई, क्या पता मान ही जाए यार, देखते हैं भाई। ओके गाइस, वाकई भाई ड्राइवर सुधर चुका है, ड्राइवर को मैंने कॉल किया इतने में उसने खुद ही बता दिया कि भाई माइकल पागल कहीं के, वो पैसों का बैग तो तुम यहीं पे भूल गए भाई। कितना सुधर गया भाई अपना ड्राइवर यार, सही में मैंने ड्राइवर को बोला भाई ड्राइवर एक काम कर दे भाई, वो पैसों का सूटकेस ले जा भाई प्लीज बैंक में, उसको मतलब पैसे जमा करवा के ना मेरे अकाउंट में सेंड कर दे। वो कह रहा कि कोई बात नहीं यार हो जाएगा माइकल, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई ठीक है यार, अपनी ड्राइवर अपना सुधर चुका है, अब तो लाइफ मस्त है यार एकदम। चल भाई सिमियन आ जा यार, तेरी कॉफी खत्म हुई कि नहीं? चलो गाइस ठीक है यार, अभी निकलते हैं फटाफट से यहां से बाहर एंड अपना काम के लगते हैं यार, आज तो फिर काम भी बहुत सारे करने हैं। चलो भाई खोलते हैं लिफ्ट को एंड पहुंचते हैं नीचे की तरफ। ओके गाइस, हम जो है ना भाई अपनी रात वाली गाड़ी को निकाल के आ चुके हैं, कैसी टूटी फूटी पड़ी है एंड भाई अपना $10,000 का खर्चा तो हो ही चुका है, बाकी चलो ठीक है अभी क्या ही बोले। मैंने भाई वो पेमेंट जो है वो पे कर दी, अपने अकाउंट से पे करी है एंड वो तो अपन हम इंडियन अंकल से ही लेने वाले हैं। चलो ठीक है भाई, अभी फटाफट से सिमियन जहाँ पे बोलता है ना वहाँ पे निकलते हैं, शोरूम के जो भी जहाँ पे भी इसका फ्रेंड शोरूम वाला है भाई वहाँ पे जाके निकलते हैं एंड देखते आते हैं कि कौन कौन सी इंडियन कार उनके पास है। चलो ओके गाइस, मैं और सिमियन भाई अपनी गाड़ी को भगाते भगाते पहुंचने वाले इसके बताए हुए लोकेशन पे, बाकी पता नहीं भाई ये लोकेशन ना मुझे देखी देखी सी तो लग रही है बट समझ में नहीं आ रहा। वेट, ये कह रहा है यहीं पे रोक ले। अबे भाई आप लोग को पता है 2-4 वीडियो पहले जब माफिया ने अपनी रॉयल विंटेज कार लेने के लिए भेजा था, उस टाइम पे हम इसी शोरूम में आए थे जब हमने एक आप लोग को पता होगा टो ट्रक हमने रेंट किया था भाई, ये तो वही जगह यार, और इधर इंडियन कार थी भाई इस बंदे ने यार मुझे तो बताया नहीं है। चलो गाइस एक काम करते हैं फटाफट से उतरते हैं यहाँ पे। ओके अभी चलते हैं भाई सीधा अंदर, आ जा भाई सिमियन, अभी जाके ना भाई उस बंदे से बात करते हैं कौन कौन सी कार है भाई इस बंदे के पास। मुझे लग रहा है ना जब लास्ट टाइम हम आए थे इतनी कबाड़ कार थी इस बंदे के पास एंड अभी मुझे लग रहा है ना ये बंदा भाई ऑर्डर पे काम करता होगा, जैसे हम इसको ऑर्डर देंगे ना तभी ये कार वार लेके आता है। आजा भाई सिमियन। ओके गाइस, यार सिमियन तो अपने फ्रेंड के साथ भाई यहाँ पे बात करने लग पड़ा है, और भाई यहाँ पे पहले मैं इंडियन कार्स तो देख लूँ एक बार। ये है फॉर्च्यूनर लेजेंडर एंड ये है शायद लैंड क्रूजर, भाई क्या ही मस्त लग रही है। सबसे ज्यादा मस्त तो भाई मेरे को फॉर्च्यूनर लेजेंडर ही लग रही है, और बाकी भाई साहब यहाँ पे कौन कौन सी कार है यार, इंडियन कार्स है ना सारी जो कि देखने में भी मस्त लग रही है भाई। एक सेकंड, बाकी ये कौन सी कार है, एक मिनट मैं ध्यान से देख लूँ। ओके ये है ह्युंडई क्रेटा, भाई ये भी क्या ही मस्त लग रही है एंड ये अपनी वरना लग रही है भाई मेरे, नहीं 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 ये i20 भाई, ये i20 तो मस्त है बट इसका मुझे कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बाकी भाई साहब सबसे ज्यादा तगड़ी तो मुझे स्विफ्ट लग रही है भाई, क्या ही मस्त लग रही है स्विफ्ट अपनी। एंड ये है अपनी होंडा सिटी जो कि ब्लू कलर में ठीक ठाक लग रही है भाई। एंड ये है वरना भाई, अभी एक सेकेंड, ये वरना है या फिर कौन सी, एक सेकेंड रुकिए मुझे ध्यान से
ओके ये इलेंट्रा है भागी की, बाकी हम इसको वरना ही बोलेंगे क्योंकि भाई इसकी पूरी लुक वरना जैसी आ रही है। बाकी गाइस ये है सबसे खतरनाक कार महिंद्रा थार, जो कि रेड कलर में सबसे ज्यादा ओपी लग रही है। बाकी भाई चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, उस इंडियन अंकल को कॉल करता हूँ एंड अपने यहाँ पे कार्स खड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसको इनमें से 5 या 6 कार चाहिए थी। मैं पूछता हूँ भैया से, पूछता हूँ भाई तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है कलर्स के या फिर क्या। ओके गाइस ये कह रहा है भाई टेंशन मतलब सर, अपने पास तो कार्स की कमी नहीं है, मतलब सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको। चलो अगर आपको कोई कस्टम कलर भी बनवाना होगा उसके लिए आपको एक दिन रुकना पड़ेगा, कलर आपको सारे मिल जाएंगे। भाई 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 चलो मैं काम करता हूँ, उस इंडियन अंकल को ना कॉल करता हूँ। ओके गाइस यार ये इंडियन अंकल बोल रहा है भाई एक काम करो तुम ना मुझे वीडियो कॉल करके दिखा दो भाई सारा कुछ। ओके गाइस मैंने इसको अंकल को वीडियो कॉल कर दिया। अंकल ये देख लो भाई, ये है फॉर्च्यूनर लेजेंडर एंड ये है अपनी लैंड क्रूजर, तीसरी अपनी हुंडई क्रेटा। भाई इसको ना पहले मैं फटाफट से ना सारी गाड़ियां दिखाता हूँ पहले, तो फिर देखते हैं भाई ये कौन सी कार सिलेक्ट करता है यार अंकल। ऑल राइट गाइज, बाकी ये सारी गाड़ियों की कीमत बन रही है, मैंने इन भैया से बात करी और ये सारी गाड़ियों की जो उन्होंने गाड़ी पसंद करी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो थार पसंद करी है, दूसरी पसंद करी है अपनी स्विफ्ट मारुति स्विफ्ट, तीसरी हुंडई i20 हुंडई क्रेटा एंड लैंड क्रूजर एंड फॉर्च्यूनर लेजेंडर। भाई पहले इस बंदे ने 5 गाड़ियों का ऑर्डर दिया था, अब 6 कर दी, बाकी चलो ठीक है हमें तो क्या। और भाई इन सारी गाड़ियों की कीमत बनी है, मैं इंडियन रुपीज में बता रहा हूँ, और क्योंकि भाई ये बंदे भी ये कह रहे हैं कि अगर आप इंडियन कार लेने हैं तो आप इंडियन करेंसी में ही हमारे साथ डील करो। बाकी मैं प्राइस बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बन रहा है भाई 2.5 CR, मतलब मोटा मोटा 2 crore 50 lakhs। ओके और उस बंदे ने भाई मुझे इंडियन करेंसी में 50 lakh मुझे पहले दे दिए थे, जो कि ट्रेवर ने अपने अकाउंट में डलवा दिए पहले। भाई वो मैं कैश लाना ही भूल गया, तो ट्रेवर ने अपने अकाउंट में डलवा दिए बाकी 2 crore, अभी थोड़े कम पड़ रहे हैं। बाकी चलो ठीक है, वो कह रहा है कि मैं 2 crore आपको डलवाता हूँ। और कलर भाई पहले हम पसंद करने चलते हैं, वो कह रहा है भाई इंडियन अंकल कह रहा है जो भैया तुम्हें जो भी कलर पसंद आता है ना वो तुम्हें देखो भाई कलर कहाँ मिलेंगे बताओ ना यार भैया। ओके गाइस सिमियन भी मेरे को बोल रहा है भाई तुम खुद ही पसंद कर लो, ये अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे भाई गप्पे वप्पे मारने लगा पड़ा है और भैया ये कह रहे हैं भाई तुम मेरे पीछे चलो। चलो गाइस ठीक है यार, इस भैया के पीछे पीछे चलते हैं। और ये भाई बंदा कैसे चल रहा है, चलो यार किसी का मजाक नहीं उड़ाते। बाकी ये पार्किंग में क्यों लेके आ रहा है। ओके भाई ये पार्किंग, भाई ये तो पब्लिक पार्किंग है ना यार, अबे यार ये लोग कितने हरामी है भाई, ये पब्लिक पार्किंग को अपने शोरूम के लिए यूज कर रहे हैं। ओके 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 ये भैया कह रहे हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो भैंस की टांग, हमें भाई पहली तो i20 लेनी है और i20 का कलर देख रहे हो रेड। एक सेकंड भाई बात सुनिए जरा, बात सुन जो तुम्हारे शोरूम में गाड़ी खड़ी है उनके तो विंडोज ब्लैक कलर के हैं और ये सारे क्या ट्रांसपेरेंट है। ओके गाइस ये बंदा कह रहा है कि भाई वो तो शोरूम में थोड़ी मतलब मस्त चीजें दिखाने के लिए हमने उनको ब्लैक कलर में उनके विंडोज को करा, आप इसको मॉडिफाई करवा सकते हो। हाँ वो तो चलो यार हम करवा ही लेंगे, बाकी ना मैंने वही देखा भाई जो शोरूम में लुक आ रही थी ना कार्स की वो लुक यहाँ पे नहीं आ रही, वो चलो भाई अगर अंकल बोलेगा तो यार हम मॉडिफाई करवा देंगे यार, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बैनी से करवा देंगे। चलो भाई पहले तो हमें एक सेकेंड, अच्छा हर गाड़ियों के 5 कलर खड़े हैं भाई, चलो ठीक है कहाँ गया भाई। ओके ये खड़ा, एक सेकंड पहले कौन सी गाड़ी हमने पसंद करी थी, अबे होंडा सिटी नहीं भाई, होंडा सिटी नहीं, उसने बोले स्विफ्ट, पहले तो भाई स्विफ्ट निकाल, पहले तो स्विफ्ट दिखा दो। स्विफ्ट हम लेके चलते हैं गाइज, अपना यहाँ पे येलो कलर खड़ी है, ये भाई कौन सी ब्लू, ये डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू एंड रेड। अरे भैया तुम ही बताओ यार कौन सी लेके जाए। ओके गाइस ये कह रहा है कि भाई तुम ये ना ये वाली गाड़ी तो रेडी निकलवा लो। चलो भाई इसकी ना एक बार मैं टेस्ट ड्राइव लेके देखता हूँ आखिरकार कैसी है। भाई इतना पेट्रोल वगैरह तो रखते ही होंगे ना गाड़ी में, क्या मस्त लग रही है भाई भैंस की टांग। चलो भाई इसको बाहर निकलवा लेते हैं, पहले तो इसको निकालते हैं पहले यहाँ पे एंड उसके बाद देखते हैं भाई और कौन सी, पहले थार, थार का भी मेरे को ना भाई एक येलो कलर भी बहुत सही लग रहा है, ये वाला थोड़ा गोल्डन वाइब दे रहा है एंड भैया तुम ही बताओ यार, चलो इसमें भी तुम ही बताओ कौन सा लेके जाऊं। ओके भाई ये कह रहा है कि रेडी लेके जाओ ये भी, भाई तुम यार मुझे सारी गाड़ियां ऐसी रेड वेडी चिपकाओगे क्या। चलो ठीक है भाई इसको भी निकालते हैं फिर बाहर, दोनों गाड़ियां हमने इंडियन कार्स बाहर निकाल लिया अभी, चलो अभी तीसरी गाड़ी देखते हैं। ओके गाइज अभी टाइम है i20 लेने का एंड i20 हम कौन सी लें, ये ब्लू भी अच्छी लग रही है, स्काई ब्लू नहीं यार भाई लुक तो अच्छी ब्लू की आ रही है। चलो गाइज इसको ब्लू को निकलवाते हैं बाहर, अगर कलर की तो कोई इशू नहीं है यार, कलर तो हम भी करवा के दे देंगे यार, कलर का तो भैया कोई भी इशू नहीं है। बाकी अभी कौन सी गाड़ी पसंद करी थी उन्होंने, चौथी गाड़ी, एक मिनट, 3 गाड़ियां हो चुकी हैं, एक सेकेंड भैया वो क्रेटा वगैरह फॉर्चुनर वो कहाँ है। अरे ओके ये कह रहा है भाई मेरे पीछे चलो। चलो ठीक है भाई चलता हूँ रुको रुको भाई क्या ही भाग रहा है बंदा। ओके ये भी भाई पब्लिक पार्किंग है
एंड ऊपर का फ्लोर भी पब्लिक पार्किंग में ही आ रहा है। अबे गाइस आप लोग को पता है जब ये टेरिस वाला फ्लोर पक्का वही होगा जहां से हम टो ट्रक हमने रेंट किया था, पहले मैं वो देख के आता हूँ। ओके इनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ये भी पब्लिक वाला ही फ्लोर है। एंड ये रहा भाई वो जहाँ से हमने टो ट्रक रेंट करा था, और ये खड़े टो ट्रक। चलो ठीक है भैया, छोड़ो इसको छोड़ो भाई, अभी चलते हैं लैंड क्रूजर देखने के लिए। लैंड क्रूजर में कौन सी लें, यहाँ पे वाइट खड़ी है, ये भाई क्या अटपटा सा कलर है, ब्लैक भी क्यों ऑयल मस्त लग रही है भाई, और ये भी पता नहीं कौन सा कलर है, और येलो भी भाई सही लग रही है। तो मैं बताओ भैया कौन सी लेके जाएं। ओके गाइस अभी लैंड क्रूजर, ओके लैंड क्रूजर, ये भैया बोल रहे हैं भाई तुम ये वाइट वाली लो, भाई सही लग रही है यार। वाइट नहीं मतलब ये ना भाई सिल्वर और क्रीम कलर का ना मिक्सचर है, पूरी वाइट नहीं है ये। चलो भाई इसको भी ना हम उसी सारी गाड़ियों में रख के आते हैं, देन उसके बाद आगे की गाड़ी पसंद करते हैं। ओके गाइस अपनी सारी की सारी गाड़ियां यहां पे हमने खड़ी कर दी है, अभी दो गाड़ियां बाकी रह गई वो भी करते हैं, और जो भी अपना खर्चा हुआ है ना यहां पे आने का वो तो चलो यार कार्गो प्लेन में फ्री का हुआ, देखते हैं भाई वो वहां पे जाके पूरा कैलकुलेट करेंगे, और इंडियन अंकल से भाई सारे के सारे पैसे मांगूंगा मैं। चलो बाकी जो भी गाड़ियां वो देख लेते हैं। ठीक है गाइस मैं ऊपर आ चुका हूं, अभी टाइम है फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेने का, जो कि इनमें भाई एक सेकंड, ये मेरी पसंद की जो कि ना मुझे एक तो सिल्वर कलर है वो भी मस्त लग रहा है, एंड ये वाइट तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है भाई। इसको तो मैं वाइट में ही लूंगा भाई, जो कि बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है भाई, एंड लाइटिंग वगैरह बड़ी सही से काम कर रही है। चलो इसको भी रख के आते हैं पहले फटाफट से नीचे, ओ एक सेकंड डोर ही नहीं बंद हुआ, ओके हो गया, चलो इसको भी रख के आते नीचे। चलो गाइस ठीक है फॉर्च्यूनर भी रख दिया, अभी लास्ट गाड़ी लेने का टाइम आ चुका है जो कि क्रेटा है। क्रेटा मैं देखता हूँ यार, नहीं यार भाई रेड कलर सारे नहीं लेने यार, वो अंकल बोलेगा गालियां देगा मेरे को भाई। एक सेकंड एक चीज नोटिस करी, क्रेटा में इनके पास कितने ज्यादा ऑप्शन है, बाकी सारी गाड़ियों में इनके पास चार चार पांच पांच ऑप्शन है, एंड क्रेटा में देख रहे हो भाई कितने ज्यादा ऑप्शन है। क्रेटा तो भाई एक तो ब्लैक कलर की भी सही लग रही है, मतलब ब्लैक कलर की अगर ब्लैक विंडो करवा देंगे ना भाई ये तो अंधेरे में दिखेगी भी नहीं, मतलब रेड कलर में नहीं लेनी भाई, रेड तो पहले से ही बहुत हो चुकी है। ये सिल्वर सही लग रहा है, एंड ये ऑरेंज, एक सेकंड रुकियो भैया, ऑरेंज तो वैसे बहुत ओपी लग रहा है, बाकी एक बार मैं ना और देख लूँ पहले। वाइट भी सही लग रहा है, ग्रीन नहीं यार ग्रीन अच्छा लग रहा है, और ब्लू भी अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू तो स्काई ब्लू नहीं सही लग रहा, एंड क्रीम कलर भी सही नहीं लग रहा, रेड भी सही नहीं लग रहा। चलो भाई फिर एक काम करते हैं ऑरेंज निकाल दे भाई, तुम्हारी पसंद की सारी गाड़ियां लेके जा रहा हूँ, चल भाई अभी अच्छा खासा डिस्काउंट दे दियो। चलो ठीक है भाई एक काम करते हैं फटाफट से इन सारी गाड़ियों को रखते हैं नीचे, और इनसे बात करते हैं कि ये गाड़ियां मैं आखिरकार लेके कहां कैसे जाऊंगा, इतने तो गाइस अपने पास लोग नहीं है कि सारी एक एक करके ड्राइव करके आए, तो और मतलब पता ही है यार कोई तो घटिया ड्राइव भी करता है, एंड कोई ठोक वोक देगा तो भाई अपने पल्ले पड़ जाएगी सारी कार्स। ठीक है भाई हमने सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पे निकलवा ली हैं, और अगर विंडो को बोलेगा ना अंकल तो विंडो भी करवा लेंगे ब्लैक, बाकी चलो ठीक है ये दोनों गाड़ियां मस्त हो गई हैं अपनी, एंड ये भी भाई तीनों मस्त हो चुकी हैं। ओके गाइस इसने ना भाई अपने किसी वर्कर को बुलाया यहाँ पे, बाकी देखते हैं भाई वर्कर को तो बुला लिया भैया, आगे करना क्या, गाड़ियां मैं कैसे लेके जाऊंगा वो ये पता नहीं भाई यार ये क्या करना क्या जाता है। ओके यही बंदा है क्या वर्कर, चलो गाइस ठीक है यार ये वर्कर तो भाई अपना चला गया है कुछ ट्रक का इंतजाम करने, इसने बोला भाई ट्रक और ट्रेलर लेके आ, यार ट्रक एंड ट्रेलर में गाड़ियों का इशू ना हो जाए भाई, क्योंकि ये ना हम गाड़ियाँ उसको अंकल को आज में देने वाले हैं, अगर गाड़ी कुछ चोट वोट लग गई ना तो रिपेयरिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो देखते हैं भाई क्या सीन करने वाला है, कौन सा ट्रक आता है। ओके भाई भी कह रहा है भाई टेंशन मत लो, ट्रक ऐसा आएगा जिसमें आप आराम से गाड़ी लेके जा सकते हो। चलो ठीक है देखते हैं भाई अपन चलते हैं शोरूम में और वेट करते हैं उस बंदे का। ओके गाइस यार मैं आ चुका हूँ भाई सिमियन के पास, और ये भाई यहाँ पे खड़े हैं, और ट्रक भाई पता नहीं कब तक आएगा, कहीं यही तो ट्रक तो नहीं आ रहा ना भाई, क्या ही चलाता आ रहा है ये ट्रक को। अबे भैया धीरे धीरे भाई क्या कर रहा है ये ट्रक के साथ। चलो गाइस ठीक है भाई, भैया ने यहाँ पे ट्रक लाके खड़ा कर दिया है, बाकी ना अभी भैया जो मतलब इनके वर्कर वगैरह ही ना भाई गाड़ी वाड़ी जो भी है वो रख देंगे इसके ऊपर, हम अंदर जाके भाई कोई चाय कॉफी कुछ पूछा भी नहीं भाई बंदों ने, कैसे शोरूम वाले बंदे हैं यार। चलो ठीक है खुद ही मांग लेते हैं भाई, बेशर्म होके अंदर चलते हैं एंड चाय कॉफी पीते हैं भाई। चलो गाइस ठीक है यार हम तो यहाँ पे अपना आराम से भाई कॉफी इंजॉय कर रहे हैं, जब तक भाई गाड़ियां वाड़ियां सब रखी जाएंगी फिर हम उस ट्रक को लेके निकल जाएंगे, शायद इनका बंदा भी अपने साथ ही चलेगा, और ये गाड़ी को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया जो हम लेके आए थे। भाई अपनी जिंदगी कैसी बकवास है ना, लास्ट टाइम हम यहाँ पे आप लोगों को पता है भाई टेस्ला लेके आए थे, टेस्ला मॉडल एस थी पता नहीं एक्स थी, उस टाइम पे उस गाड़ी को भी बाय बाय बोलना पड़ गया था। ये शोरूम ही मनहूस है भाई, पनौती है ये शोरूम पूरा,
जब भी आते हैं ना यहाँ पे, जो भी गाड़ी लेके आते हैं उसको टाटा बाय बाय बोलना पड़ जाता है। पर चलो गाइस यार, हमको तो भाई कॉफी पीते यार, ये शोरूम वाले पहले तो कॉफी पूछ नहीं रहे थे, अब कॉफी पे कॉफी ही दे जा रहे हैं। ओके ओके, ये वर्कर आ चुका है भाई, इससे बात करते हैं। ओके गाइस, ये कह रहा है कि भैया तुम्हारा सब कुछ रेडी। अबे मुझे यहाँ से देखने में कुछ खतरनाक सीन गड़बड़ लग रही है। अबे भाई इसको कैसे लेके जाऊंगा भाई, अबे पागल, सारी गाड़ी गिर जाएंगी भाई ऐसे तो। गाइस यार ये भैया कह रहे हैं, भैया टेंशन मत लो, हमने ना यहाँ से इनको गाड़ियों के टायर लॉक करके रखे, जितना मर्जी हिलाओ जुलाओ कुछ नहीं होने वाला, टेंशन ही मत लो। ओके, पांच गाड़ी यहाँ पे आई है और ये भैया कह रहे हैं लैंड क्रूजर मैं लेके आऊंगा। चलो ठीक है भैया, लैंड क्रूजर तुम लेके आना, बाकी एयरपोर्ट पहुंचना है ठीक है भैया। बाकी चलो ठीक है, मैं ना काम करता हूँ, फटाफट से सिमियोन को बुलाता हूँ यार। चलो गाइस ठीक है, मैंने सिमियोन को भाई फोन करके बुला तो लिया। ओके भाई, सिमियोन भी आ चुका है। चलो गाइस ठीक है, अभी आराम से निकलते हैं। और भैया जो है लैंड क्रूजर, भैया लैंड क्रूजर बहुत महंगे यार, ध्यान से चला के आइयो भाई, मुझे पता नहीं क्यों डर ही लग रहा है भाई, ठोक वो की मत दियो। अबे अबे गाइस यार एक प्रॉब्लम हो गई भाई, पेमेंट करनी भूल गया मैं भाई। सिमियोन बैठ यार, तो मैं फटाफट से ना गाइस अंदर जाके पेमेंट करके आता हूं, तभी तो भाई ये बंदा अपने साथ ही नहीं जा रहा था, मैं भाई पेमेंट करना ही भूल गया। चलो गाइस ठीक है, अभी अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे बैठे इनके काफी बंदे, हम पेमेंट कर देते हैं भाई आराम से। ओके गाइस यार, ये सेल्स मैनेजर भी भागता भागता है जब मैं पेमेंट करने ही वाला था। चलो भाई कर दी मैंने पेमेंट, 100 रुपए प्राप्त हुए। अबे ओ तुम्हारी मशीन झूठ बोल रही भाई, मैंने 100 रुपए थोड़ी करे हैं भाई, क्या सीन चल रही है। ओके गाइस यार, भाई इनकी मतलब मशीन भाई वो जानबूझ के ऐसे बोलती है भाई, मैं डर गया भाई, 100 रुपए थोड़ी करे हैं मैंने, मशीन बोल रही है पेटीएम पर 100 रुपए रिसीव हुए, पैस की टांग तुम्हारी। चलो गाइस ठीक है, अभी बंदा भी मान चुका है, फटाफट से चलते हैं भाई यहाँ से ट्रक एंड ये गाड़ी लेके। भैया गाड़ी ध्यान से चलाना, अभी हम गाइस जाने वाले हैं सीधा लिबर्टी सिटी के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे गाइस हमने लास्ट टाइम अपना कार्गो प्लेन खड़ा किया था। बाकी चलो ठीक है, ये बंदा लैंड क्रूजर अपना बहुत सही चला रहा है, और हम भी भाई इसको अपने ट्रक एंड ट्रेलर को चला के सीधा निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ओके गाइस, फाइनली जो है ना हम अपने ट्रक एंड ट्रेलर एंड गाड़ियों को लेके पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। और ये इतनी सारी गाड़ियां कहां जा रही है, पैस की टंग, अबे रैली निकल रही है क्या किसी की। गाइस यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई ये किसकी रैली जा रही है भाई, कितनी सारी गाड़ियां ये ऐसी घूम रही है, एंड क्या सीन चल रहा है भैया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलो छोड़ो यार, हमें तो अपना काम करना है। ओए ओए भाई, नई कार लिए बंदा स्टंट मारने पे लगा पड़ा है। चलो गाइस ठीक है, फाइनली हम आ चुके अपने कार्गो प्लेन पे, और फटाफट से ये सारी इंडियन कार्स को निकालते हैं फिर उतारते नीचे। ओके गाइस यार, मैंने सारी की सारी गाड़ियां जो है ना भाई इस ट्रेलर के नीचे उतार ली। भैया थैंक यू सो मच यार तुम्हारा आने के लिए, एंड भाई भैया ने यार बड़ी हेल्प करी यार अपनी, लैंड क्रूजर भी अंदर खड़ी कर दी है, एंड पांचों की पांचों गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी है। इनको फटाफट से ना मैं कार्गो प्लेन के अंदर लगाता हूँ। चलो गाइस ठीक है यार, भैया तो अपना जा चुके हैं और अपनी बाइक खतरनाक वाली हेल्प करके जा चुके हैं। चलो गाइस ठीक है, मैं सारी गाड़ियां ना एक एक करके भाई साहब लगा देता हूँ इसके अंदर, एंड फटाफट से ना भाई फिर निकलते सीधा लॉस सैंटोस के लिए। ओके गाइस, हमने ना भाई सारी की सारी गाड़ियां जो है ना वो अंदर लोड कर दी है, बाकी सारी अपनी छह की छह कार्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी आ चुके हैं। अभी फटाफट से ना भाई बिना किसी टाइम वेस्ट किए यहाँ से निकलते हैं। आजा भाई सिमियन, फटाफट से चलते हैं प्लेन के कॉकपिट में, फटाफट से इसको करते हैं टेक ऑफ फिर। ओके गाइस, टाइम आ चुका है फटाफट से लिबर्टी सिटी को बाय बाय टाटा बोलने का। भाई साहब आज तो भाई मजा ही आ गया, सारी गाड़ियों का इंतजाम भी हो गया, एंड मजा भी आ गया भाई, अपने को घूमने में मजा आया। बाकी जाके भाई सारा कैलकुलेट करते हैं कि उस इंडियन अंकल से हमें कितने पैसे मांगने चाहिए भाई, कि आप लोग कमेंट करके बताओ भाई, जो हमने इंडियन रुपीस में पेमेंट करी है ना 2 करोड़ 50 लाख की, उसको हम मिलियंस में कितना बोलते हैं भाई, वो आप लोग कमेंट करके बताओ। जो बढ़िया जो सही से कमेंट करके बताएगा ना उसको पक्का शाउट आउट मिलेगा। चलो देखते हैं भाई अभी किसको बढ़िया तरीके से पता है। चलो भाई अभी बातें कम करते हैं, फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। ओके गाइस, हम जो है ना भाई अपने कार्गो प्लेन को लेके पहुंचने वाले हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और बाकी गाइस मैंने ड्राइवर को भाई फोन कर दिया था, एंड सिमियोन ने भाई ड्राइवर को बोला था कि तू एक काम कर, जो उसके शोरूम में जो ट्रक एंड ट्रेलर खड़े हैं ना वो तुम लेके आ जा, ताकि हम ये जो गाड़ियां इंडियन कार्स लेके आ रहे हैं ना इनको बड़े आराम से हम अपने शोरूम में लेके जा पाए। इसीलिए भाई देखते हैं अभी तक ये आया भी होगा कि नहीं, मेरे को नहीं लग रहा भाई ये बंदा आया भी होगा, बाकी वहां पे जाके पता चलेगा। यार मुझे ड्राइवर पे सच्ची में भरोसा नहीं है कि वो आया होगा, सच्ची में कह रहा हूँ। चलो बाकी ठीक है भाई, अभी फटाफट से ना सेफ लैंडिंग करवाते हैं अपने कार्गो प्लेन की, एंड एक सेकंड बड़े ध्यान से करवानी पड़ती है भाई 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 भाई, एक सेकंड बड़े ध्यान से भाई 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 भाई, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे लग जा भाई। ओके डन। चलो गाइस ठीक है, बहुत सही तरीके से हमने इसकी सेफ लैंडिंग करवा ली। ओए नहीं नहीं नहीं, रुक जा भाई रुक जा, किधर जा रहा है, कसम से बोल रहा हूँ इसको प्लेन को संभालना ना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है।
अभी फटाफट से ना मैं पहले इसको ना ढंग तरीके से ना रनवे पे ले आता हूँ, नहीं तो भाई दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एंड इस कार्गो प्लेन को ना जहाँ से हमने लिया था ना वहीं पे इसको खड़ा कर देंगे, पहले सारी गाड़ियाँ बाहर निकालते हैं एंड उसके बाद जहाँ से लिया था ना भाई उसको वहीं पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई डेविन वेस्टन के साथ बिना मतलब की दुश्मनी खड़ी हो जाएगी। चलो ठीक है भाई इसको लगाते हैं। एक सेकंड, सामने कोई खड़ा है भाई, मुझे दिख रहा है सामने ट्रक एंड ट्रेलर दो खड़े हैं। चलो गाइस ठीक है यार, सिमियन और मैं भाई अभी निकल के आ चुके हैं, आ जा भाई सिमियन फटाफट से और मैं उतरता हूँ नीचे और ये इंडियन कार्स हम लेके आए भाई जो कि बहुत सही लग रही है। चलो ठीक है गाइस, हमने फाइनली है हम जो है लॉस सैंटोस पहुंच चुके हैं अभी। यार गाइस देखने में तो यार ये ड्राइवर ही लग रहा है, बट ये ड्राइवर के साथ दूसरा बंदा कौन खड़ा है? अबे पैस की भाई ये ड्राइवर पागल है। अबे ड्राइवर तू पागल हो चुका है क्या भाई? ये फ्रैंकलिन को जगह जगह पे पुलिस ढूंढ रही है, पागल कहीं के, इसको क्यों साथ में लेके आया? चलो इससे बात करता हूँ। ऑल राइट गाइस, ये कह रहा है तुमने दो ट्रक की डिमांड करी तो दो ट्रक में कहां से लेके आता? भाई ये तो सही है बट इसको क्यों लेके आ रहा है भाई साथ में? यार तेरे को पता है हर जगह पे इसको पुलिस ढूंढ रही है, प्रिजन से छुड़वा के लेके आया हूं मैं, इसके घर पे पुलिस तैनात हो रखी है, तू फिर भी भाई इसको लेके घूम रहा है। बाकी चलो गाइस ठीक है यार, अभी फ्रैंकलिन तो ट्रक में बैठने जा रहा है, चल भाई ड्राइवर तू भी बैठ यार ट्रक में एंड मैं ये ट्रक उठाता हूँ और सारी गाड़ियां ना हम पहले तो भाई नीचे उतारते हैं, देन उसके बाद उन सारी गाड़ियों को हम अपने शोरूम में लेके चलते हैं भाई। चल भाई कार्गो प्लेन तक ले चल भाई ट्रक को, उसके बाद हम सारी गाड़ियां पहले निकालते हैं। एंड भाई ये ट्रक तो बहुत ज़्यादा सही लेके आया भाई बंदा, बट ठीक है भाई हमें ना जो भी सारी गाड़ियां ना बड़े मतलब तरीके से सारी गाड़ियों को ना वो करना पड़ेगा, मतलब लोड करना पड़ेगा, अगर स्क्रैच आ गए ना तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी भाई। गाइस ठीक है यार, हमने ना भाई ट्रक एंड ट्रेलर को यहाँ पे लगा दिया है, अभी फटाफट से ना इसका रैंप खोलते नीचे एंड ये नीचे करके सारी गाड़ियां इसके ऊपर चढ़ाते हैं अपने अपने ट्रक्स के ऊपर। मैंने तो भाई अपने ट्रक एंड ट्रेलर का ये नीचे कर लिया है, अभी ना गाइस एक काम करना पड़ेगा हम दोनों को ना वहां से जितनी भी गाड़ी ना पहले उन सारी गाड़ी को मैं बाहर निकालता हूं, देन उसके बाद ये सारी गाड़ियों को हम ट्रक एंड ट्रेलर के ऊपर लोड कर लेते हैं। आ जा भाई ड्राइवर फटाफट से, एंड फ्रैंकलिन को अंदर बैठा रहने दे भाई, इधर एयरपोर्ट पे इतनी पुलिस घूमती रहती है ना, अगर पुलिस वालों ने देख लिया ना तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एंड सिमियन अपना यहाँ पे खड़ा है। चलो गाइस ठीक है, एक सेकंड, मैं कार्गो प्लेन यहाँ से ही लेके आया था तो भाई मैं इतना भी कौन वेला है भाई, मैं इसको दोबारा से वहाँ पे लगाऊं? भाई अपने आप लगा लेंगे, आ जा भाई ड्राइवर फटाफट से। चलो गाइस ठीक है यार, मैं ना पहले निकाल रहा हूँ फॉर्चुनर लेजेंडर को बाहर। चलो गाइस ठीक है, मैं तो अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर को बाहर लेके आ चुका हूँ एंड यहाँ पे ड्राइवर लेके आ चुका है क्रेटा। भाई ध्यान से अबे ओ, नहीं कार्स लेके आया हूँ, स्क्रैच ना डलवा दियो। चलो अभी लेके आते हैं अपनी i20 एंड लैंड क्रूजर। भाई लैंड क्रूजर की अलग ही लेवल की लुक आ रही है, लैंड क्रूजर की तो भाई नेक्स्ट लेवल लुक आ रही है यार। चलो इसको भी निकालते हैं बाहर एंड फटाफट से ना भाई पहले ना एक काम करते हैं, सारी की सारी गाड़ियां ना पहले जल्दी जल्दी बाहर निकालते हैं एंड उसके बाद भाई ये सारी गाड़ियां हमको ट्रक एंड ट्रेलर में लोड करनी पड़ेगी। चल भाई आ जा आ जा i20 को लेके आ जा एंड उसके बाद दो गाड़ियां बाकी है भाई, एक तो स्विफ्ट एंड अपनी महिंद्रा थार। गाइस ठीक है यार, सारी की सारी गाड़ियां हम बाहर लेके आ चुके हैं, अभी काम करते हैं फटाफट से एक एक करके सारी गाड़ियों को ना ट्रक एंड ट्रेलर में लोड करते हैं। पहले तो हम जो दूसरे बड़ी बड़ी कार्स है ना उनको ऊपर रखेंगे ताकि भाई ये सेफ रहे, और ये सबसे ज्यादा महंगी कार्स है यार तो इनको सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चल भाई ठीक है, आ जा ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ियों को फटाफट से ऊपर चढ़ाते हैं, आ जा भाई। ओके गाइस, बहुत ज्यादा घंटों की मेहनत के बाद हमने सारी की सारी गाड़ियां ऊपर चढ़ा ली। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ऊपर चढ़ाने में बड़ी दिक्कत हुई बट बिना स्क्रैचेस के ना हमने बहुत मुश्किल से इस गाड़ियों को ऊपर चढ़ाया। बाकी चलो ठीक है भाई, सिमियन भी आ चुका है, बाकी चलो फ्रैंकलिन बैठा है अपने ट्रक के अंदर, ड्राइवर बैठ जा भाई ट्रक के अंदर एंड इसको लेके चलते हैं हम यहाँ से। एंड आ जा भाई सिमियन फटाफट से मेरे शोरूम में चलते हैं सारी गाड़ियां लेके, और फिर उस इंडियन अंकल को बुलाते हैं भाई, स्माइली करता हुआ आता है बंदा यार, बड़ी हंसी आती है उसका फेस देख के। चल भाई ड्राइवर तू तो निकल भाई। चलो गाइस ठीक है, आ जा भाई सिमियन बैठ, और ड्राइवर जो है ना वो लेके निकल रहा है भाई ट्रक, और मैं भी लेके निकलता हूँ। देखते हैं भाई हम दोनों ना अलग अलग रास्ते से आएंगे, देखते हैं भाई कौन पहले शोरूम में पहुंचता है। बाकी भाई दिख बस एक ही टेंशन हो रही है यहाँ पे ना भाई, जो ब्रिजेस है ना और पुल वगैरह बहुत नीचे को है तो अपनी गाड़ी उसमें बस टक्कर ना हो जाए, नहीं तो भाई गाड़ी कबाड़ा हो जाएगी। भाई इधर से तो निकाल ही नहीं सकते भाई, इधर से तो निकाल ही नहीं सकते भाई, जिधर से ड्राइवर कह रहा है मुझे लग रहा है मुझे उधर से ही जाना पड़ेगा। चलो कोशिश करनी पड़ेगी, रुको मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, लास्ट टाइम जब ये कार्गो प्लेन चुराया था उस टाइम पे इतनी पुलिस थी एंड इतने वर्कर्स कार्गो प्लेन की सर्विस कर रहे थे, हमने कितने लोगों को मारा एंड कार्गो प्लेन ले गए, बट अभी तक तो भाई कोई पुलिस वाला आया नहीं है। चलो गाइस ठीक है यार, मैं ना भाई ये जो एयरपोर्ट का तीसरा दरवाजा है ना वहां से लेके बाहर आ चुका हूँ, नहीं तो भाई उन्होंने पता नहीं क्या बात है दरवाजे बड़े वो नीचे कर करके बना रखे हैं, और ड्राइवर पता नहीं भाई कहाँ से ले गया। बाकी चलो ठीक है, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये सारी गाड़ियों को ना फटाफट से हम शोरूम पे लेके चलते हैं एंड उसके बाद भाई सारी गाड़ियों को शोरूम में सजाते हैं और अपने शोरूम की
अलग ही लेवल की वो हो जाएगी भाई। कितने लोग आप लोगों को पता है दिन रात खड़े ही रहते हैं अपने शोरूम के बाहर, गाड़ियां देखते रहते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड को रखने का भी फायदा हो जाएगा थोड़ी। हाँ भाई गाड़ियों की गार्ड तो करेंगे, नहीं तो खाली सिक्योरिटी खाली शोरूम की गार्ड करते रहते हैं, $20,000 पर मंथ चार्ज करते हैं। चलो ठीक है भाई, इधर उधर की बात नहीं करते, अभी फटाफट से गाड़ियों को लेके सीधा निकलते हैं अपने शोरूम के लिए। ओके गाइस, फाइनली जो है ना हम सारी गाड़ियां लेके अपने शोरूम पे पहुंचने वाले हैं। सामने ही अपना शोरूम आ चुका है। चलो गाइस ठीक है, ये आ चुका है अपना शोरूम। फटाफट से ना भाई यहाँ पे लगाते हैं ट्रक एंड ट्रेलर को, एंड उसके बाद ना सारी की सारी गाड़ियां उतारते हैं। और अभी तक भाई ये ड्राइवर आया ही नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ रह गया। चलो ठीक है, हम इस रेस को जीत चुके हैं और पहले हम पहुंच चुके हैं। फटाफट से ना एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं अपने ट्रक एंड ट्रेलर को और सारी गाड़ियां ना यहीं से उतारते हैं। चलो गाइस ठीक है यार, हम तो पहुंच चुके हैं। ओके ओके भाई, ड्राइवर भी आ चुका है। आजा भाई ड्राइवर। चलो ठीक है गाइस, अभी चलो गाइस अभी एक काम करते हैं, सारी गाड़ियों को ना एक एक करके नीचे उतारते हैं। चलो गाइस ठीक है यार, सारी की सारी गाड़ियां ना लेके चलते हैं। बाकी पहली गाड़ी तो हम लेके आ चुके हैं। ओके ड्राइवर भी आ चुका है पीछे से गाड़ी लेके। चलो इसको लगाते हैं अंदर की तरफ। और सारे लोग जो यहाँ पे गाड़ी देखने आते हैं ना, अब देखो तुम लोग ऐसी गाड़ी तुम लोगों ने देखी नहीं होंगी भाई लॉस सैंटोस में। चलो गाइस ठीक है, मैं दूसरी गाड़ी अभी i20 लेके आ चुका हूँ, एंड इसको भी लगाते हैं शोरूम के अंदर। और अभी देखते हैं भाई ड्राइवर कौन सी गाड़ी लेके आता है। चलो भाई इसको भी लगाते हैं मस्त तरीके से यहाँ। चलो हमने यहाँ पे भी गाड़ी लगा दी, अभी देखते हैं भाई ड्राइवर कौन सी। ओह स्विफ्ट लेके आ चुका है ड्राइवर रेड कलर की। चलो अभी बस दो गाड़ी रह गई, एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर। ओके गाइस एक अपनी रह गई है टोयोटा लैंड क्रूजर, बाकी मैं लेके जाता हूँ फॉर्च्यूनर लेजेंडर। आजा भाई ड्राइवर इसको लेके आजा भाई तू भी। चलो गाइस हमने सारी गाड़ियां यहाँ पे लगा दी अभी। चलो देखते हैं अभी भाई सारी गाड़ियां हमने यहाँ पे लगा दी, अभी कॉल करते हैं उस इंडियन अंकल को। चलो गाइस ठीक है, फाइनली सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी हैं। ऑलराइट गाइस, यार काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद ना हमने सारी गाड़ी को दोबारा से यहाँ पे लगा दिया है, मतलब उठा उठा के। एंड आप लोग भाई थार देखो क्या ही मस्त चमक रही है, क्या ही मस्त लग रही है। एंड ये सब कबाड़ कार्स को ना अभी हम कल ना गाइस इन कबाड़ कार्स का भी कुछ करते हैं। और i20 भी मस्त लग रही है, एंड लैंड क्रूजर तो है ही मस्त अपनी, एंड लिम्बोगिनी उरुस तो है ही मस्त, एंड भाई ये है क्रेटा जो कि मस्त लग रही है। और स्विफ्ट को हमने वहां पे लगा दिया, एंड फॉर्च्यूनर लेजेंडर को हमने वहां पे लगा दिया। अबे यार तुम लोग करो अपना बातें आपस में। बाकी गाइस ठीक है यार, अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट है, हम सारा कुछ यहाँ पे लेके आ चुके हैं। 2,50,00,000 में हमें सारी गाड़ियां मिल चुकी है, जो कि हम पेमेंट आप लोग को पता है करके आ गए थे। 2,00,00,000 अंकल ने डाल दिए थे, 50,00,000 अपने पास थे भाई, सारे हमने पेमेंट वहां पे कर दी थी। एंड अभी उसके बाद गाइज अभी ये जो कार्स है ना मैंने इंडियन अंकल को कॉल करना है। उससे पहले गाइज मुझे पार्टी वालों का कॉल आ रहा है, बार-बार मैं उनसे पहले बात करता हूं। ओके गाइस, मेरी जो है ना भाई पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों से बात हो चुकी है, और उन्होंने भाई मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने उनको बोला भाई मैं मिलने नहीं आऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पहले आपके पास आया था, उन्होंने कहीं और भेज दिया था मुझे, मतलब जहां पे आपकी पार्टी चल रही थी। इससे बढ़िया आप एक काम करो, आप ही मेरे घर पे आ जाओ। तो कल जो है ना वो उनकी एक मैडम आ रही है अपने घर पे हमें मिलने के लिए। हम उनको बताएंगे कि कैसे-कैसे हमें पार्टी का क्या-क्या करना है, उसके बाद हमारे घर पे एक खतरनाक तगड़ी पार्टी रखने वाले हैं, जिसपे गाइज आप सब इनवाइटेड हो, आप सब आने वाले हो माइकल के घर की खतरनाक पार्टी के लिए, जिसपे हम एक शोरूम की खुशी के लिए, एंड जो अपना हमने घर अपग्रेड करा था बनवाया था पूरा, उस खुशी में हम अपने घर पे पार्टी रखने वाले हैं। हमारे जितने भी दुश्मन दोस्त जितने भी है ना, सबको इन्वाइट करने वाला हूं मैं। और आप लोग गाइज मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आप लोग को क्या लगता है पार्टी में क्या क्या कौन कौन बंदे होने चाहिए, कौन कौन होना चाहिए पार्टी में, कॉमेंट करके बताओ, तभी हम उनको भाई इन्वाइट करने जाएंगे। आप लोगों से कॉमेंट करके जरूर बताना है, सबने लिखना है, सबके नाम लिखो एंड बोलो कि भाई हाँ इसको भी बुलाओ पार्टी के लिए। तो बाकी सब अब सॉर्ट आउट है, अभी इंडियन अंकल को कल सुबह करते हैं, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है तो गाड़ी डिलीवर करने में भी इशू आएगा। तो चलो यार गाइस करते हैं गाइस इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो अच्छा कमेंट कर देना, वीडियो को दबा के शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। Stable.